एक जितना कमजोर भी दूसरे में उतनी ही ताकत होगी। क्या सलमान खान की किक 2 में दो दो किक लगने वाली है? क्या सलमान खान का इस फिल्म में डबल रोल होने वाला है? क्या इस फिल्म की शूटिंग बड़े सिटीज में बड़ी कंट्रीज में होने वाली है और कहां कहां शूटिंग हुई थी किक 1 की? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मेरा नाम है निदा। आज मैं बात करने वाली हूं 2014 में आई किक फिल्म की। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था साजी नाडियाडवाला ने और आपको बता दूं कि इसमें फीचर हुए थे सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस। फिलहाल आपको बता दूं कि इस फिल्म की कहानी ऐसी थी कि जितने भी लोग थे ना 2014 में वो सब सो गए थे। ये फिल्म ऐसी फिल्म थी कि बस पैंडेमिक लगते लगते ही हट गया था। ये फिल्म इतनी ज्यादा बोरिंग थी। इस फिल्म में ना सिर्फ एक्शन सीक्वेंस बल्कि इस फिल्म का जो मैसेज था वो भी मुझे नहीं पता कि डायरेक्टर क्या देना चाहता था। इस फिल्म की कहानी ये थी कि जैकलिन फर्नांडिस एक साइकेट्रिस्ट होती हैं और इस फिल्म के जो हीरो होते हैं उनको कोई एम नहीं होता उनका लाइफ में और उनको जिस काम में किक मिल रही होती है, मजा मिल रहा होता है, बस वो वही करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनके आसपास के लोग होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं, जिसकी वजह से वो साइकेट्रिस्ट यानी कि जैकलिन फर्नांडिस की मदद लेते हैं। और आपको बता दूं कि फिर उन दोनों में लव स्टोरी दिखाई गई है और इसी में एंट्री होती है रणदीप हुड्डा की, जो ढूंढ रहा है डेविल यानी कि सलमान खान को। फिलहाल आपको बता दूं कि इस फिल्म में क्या मैसेज था, क्या प्लॉट था और क्या एंडिंग थी। लेकिन आपको ये बता दूं कि इस फिल्म की कहानी यहीं नहीं रुकती है, इस फिल्म का सीक्वल भी तैयार हो रहा है और इस फिल्म का सीक्वल लेकर आ रहे हैं बहुत ही जल्द साजिद नाडियाडवाला। और यहाँ तक कि इंटरव्यू में कहा है उन्होंने कि इस फिल्म की कहानी एकदम ऑलमोस्ट कंप्लीट है और इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर सही खबरों की बात माने तो इस साल एंड तक ये फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये फिल्म अगले साल ईद के मौके पर आने के लिए तैयार है। फिलहाल आपको बता दूं कि इस साल कभी ईद कभी दिवाली रिलीज होगी, उसके बाद ही ये फिल्म आने को तैयार है। इससे पहले ये फिल्म तैयार नहीं है और साजिद नाडियाडवाला ने कहा है कि ये फिल्म अभी आएगी भी नहीं। फिलहाल आपको बता दूं कि साजिद नाडियाडवाला इस तरह की फ्रेंचाइजी क्यों बना रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक तो टाइगर श्रॉफ के साथ वो फिल्म की वॉर हो गया हो, चाहे हीरोपंती हो गई हो, और बहुत सारी फ्रेंचाइजी हैं जो उन्होंने शुरू कर दी हैं लेकिन क्यों शुरू करी हैं उन्हें खुद नहीं पता। फिलहाल आपको बता दूं कि साजिद नाडियाडवाला को छोड़कर सलमान खान इस फिल्म में यानी कि सीक्वल में दो दो हीरोइन के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सलमान खान का इस फिल्म में दो रोल होने वाला है, डबल रोल होने वाला है, और अगर डबल रोल हुआ तो ये फिल्म किस तरीके से अलग ट्विस्ट टर्न लेगी, ये देखना जरूरी है। फिलहाल आपको बता दूं कि इस फिल्म में होने कौन कौन वाला है। सलमान खान फिर से डेविल के किरदार में नजर आएंगे और इस फिल्म में राकुल प्रीत की एंट्री होने वाली है। राकुल प्रीत जो कि बहुत सारी फिल्मों में दिखाई दे चुकी हैं और यारियां से बॉलीवुड डेब्यू कर चुकी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि राकुल प्रीत के साथ साथ इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस भी नजर आएंगी। यानी कि अगर जैकलिन और राकुल प्रीत दोनों ही साथ में नजर आने वाली हैं तो इस फिल्म में क्या लव ट्रायंगल दिखाने वाले हैं साजिद नाडियाडवाला या फिर सलमान खान का डबल रोल होने वाला है? आपको क्या लगता है बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि किक 2 की क्या कहानी होने वाली है। क्या इसमें भी सलमान खान वही तरीके के किरदार निभाते हुए नजर आएंगे जो किक में उन्होंने किया था या फिर इस फिल्म में थोड़ा सा सेंसिबल प्लॉट आएगा? आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में आपकी अपनी राय। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्मी रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को, जहां पर हम आपको हर फिल्मी खबर देते हैं। एक जितना कमजोर होगा दूसरे में उतनी ही ताकत होगी। बहुत प्यार करते थे उससे। मैं और नेहा कॉलेज में मिले थे, हम शादी करने वाले थे। क्या सलमान खान की किक थी तेलुगु किक से बेहतर? कैसे दिया सलमान खान ने रवि तेजा को टक्कर? क्या अलग है सलमान खान की किक और उसके तेलुगु वर्जन में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सभी दर्शकों का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आप सब सलमान खान की किक के बारे में तो जानते ही होंगे और अगर आप नहीं जानते हैं तो ना जाने आप किस हैंगओवर में हैं। किक एक 2014 की एक्शन फिल्म है जिसे साजिद नाडियाडवाला ने निर्मित और निर्देशित किया है और इसमें सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस, रणदीप हुड्डा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अभिनय किया था। किक 2009 की तेलुगु फिल्म का आधिकारिक रीमेक है जिसका टाइटल भी किक ही था और इस तेलुगु फिल्म में साउथ के सुपरस्टार रवि तेजा थे।
25 जुलाई 2014 को ईद के मौके पर रिलीज हुई किक ने 402 करोड़ की कमाई की और ये दुनिया भर में एक ब्लॉकबस्टर सफलता बन गई और 200 करोड़ के क्लब में प्रवेश करने वाली सलमान खान की पहली फिल्म बनी। किक की कास्ट और क्रू के साथ किक 2 नाम की सीक्वल जल्द ही शूटिंग फ्लोर्स पर उतरने वाली है और रिलीज होगी। ऐसे में किक और इसके हिंदी रीमेक के बीच कई समानताएं हैं, जैसे कि दोनों फिल्मों की मूल कहानी एक ही है, क्योंकि ये एक अजीब इंसान की कहानी कहती है जिसे जिंदगी में अजीब चीजें करने में किक मिलती है। सलमान और रवि तेजा लुटेरे बन जाते हैं और इसकी वजह होती है देश के हर बीमार बच्चे की मदद करना। दोनों हीरो का परिचय दृश्य समान है क्योंकि फिल्म की हीरोइन अपने होने वाले पति को अपने पूर्व प्रेमी की कहानी ट्रेन में बताती है। जहां रवि तेजा तेलुगु फ्लिक में हिंदी में बात करते हैं, वहीं दबंग स्टार किक में तेलुगु लाइंस पहुंचाकर उनका एहसान वापस करते हैं। लेकिन फिल्म की कहानी में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जैसे कि तेलुगु फिल्म में हीरो और पुलिस वाले का नाम एक ही होता है जो कि है कल्याण, लेकिन भाई की किक में ऐसा नहीं है। फिल्म में हीरो हीरोइन के प्यार में पड़ने का तरीका भी अलग है। दबंग खान की किक में हीरो हीरोइन का लगातार पीछा करता है, उसे अपने पागल हरकतों के साथ और एक अच्छे दिल के साथ प्रभावित करता है। तेलुगु फिल्म में इलियाना की बहन को रवि तेजा से प्यार हो जाता है जो उसे बताता है कि वो इलियाना से प्यार करता है। दोनों फिल्मों में डकैती के तरीके भी छोटे से अंतर के साथ हैं, क्योंकि सलमान का किरदार डेविल मास्क पहने रहता है, लेकिन रवि तेजा हर डकैती के लिए अपना मास्क बदलता रहता है। इसके अलावा भाई केवल त्योहार के लिए और त्योहार के दिनों में भ्रष्टाचारी से पैसा लूटते हैं, जबकि तेलुगु फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे में अब क्या किक का सीक्वल तेलुगु फिल्म किक 2 का रिमेक होगा? क्या एक बार फिर से सलमान खान रवि तेजा को टक्कर देते हुए नजर आएंगे? ऐसे में अब क्या होगी किक 2 की कहानी, ये तो वक्त ही बताएगा। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है सानिया भार्गव ने। किक 2 में साजिद के लिए किसका साथ किक 2 की स्क्रिप्ट के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की आज के इस नई तड़कती भड़कती वीडियो में। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म निर्माता इस साल पुरानी हिट फिल्मों को लेकर आगे जाने वाले हैं और पुरानी कहानियों के सीक्वल को आगे ले जाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां जॉन अब्राहम और सलमान खान जैसे अभिनेता अपनी खुद की हिट फिल्मों के सीक्वल में लौटने वाले हैं, वहीं कई और अन्य फिल्मों के अलग भाग को भी हमें देखने का मौका मिल सकता है। अब जैसे ही साजिद नाडियावाला ने 11 अगस्त को जैकलिन फर्नांडिस के जन्मदिन पर आधिकारिक तौर पर किक 2 की घोषणा की, जैकलिन कुछ ही समय में उत्साह व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाई। वर्धा नाडियावाला ने खुलासा किया कि किक 2 की स्क्रिप्ट 11 अगस्त के दिन सुबह 4 बजे पूरी कर दी गई थी। अब फिल्म में सलमान खान और जैकलिन मुख्य भूमिकाओं में होंगे। वर्धा नाडियावाला की ट्वीट का जवाब देते हुए जैकलिन ने लिखा, किक के अगले भाग के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ और इसके सीक्वल के लिए मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। हाल ही में ये विशेष रूप से पता चला था कि फिल्म सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक रजत अरोड़ा द्वारा लिखी जा रही है, जो वंस अपॉन द टाइम इन मुंबई, डर्टी पिक्चर, किक और गब्बर इज बैक जैसे व्यवसायिक सफलता वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अब साजिद जो कि फिल्म के लेखक और निर्देशक हैं, रजत के साथ एक जबरदस्त साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने पिछले कुछ समय में सलमान खान अभिनीत फिल्म किक की स्क्रिप्ट को लिखने के लिए काफी समय साथ बिताया है।
अब जब साजिद ने किक फ्रेंचाइजी को आगे ले जाने का फैसला किया तो उनके पास स्पष्ट था कि इसे एक नए तरीके से इस फिल्म के सीक्वल को दिखाएंगे और इससे बाकी फ्रेंचाइजी से अलग अलग तरीके से बना रहे हैं। अब जिसमें सलमान खान है वो आपको याद दिला दें कि किक में यार ना मिलेगा नाम का एक गाना था जिसे खास कर फिल्म की थीम को ध्यान में रखते हुए एक काला गॉथिक रूप में दिया गया है। ये पहली बार है जब सलमान खान ने इतना ज्यादा डांस किया था। नरगिस और सलमान की ताजा जोड़ी एक और कारण की गीत पहले से ही एक ट्रेंडिंग विषय बन गया था। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि नोरा फतेही किक 2 में एक आइटम सॉन्ग में दिख सकती हैं। नोरा फिल्मों में आइटम नंबर के लिए एक डांसर के रूप में लोकप्रिय हो चुकी हैं और खुद मलयालम फिल्म डबल बैरल और साउथ इंडियन फिल्म किक 2 शेर और लोफर में दिखाई दे चुकी हैं। अब हो सकता है वो भारतीय फिल्म किक 2 में भी दिखाई दे। तो क्या लगता है आपको, क्या होगी नोरा फतेही की किक 2 या फिर दिखेंगी हमें फिर से नरगिस? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मेरा अलविदा लेने का समय आ गया है और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सानिया भार्गव ने लिखी है। अलविदा। होगी सलमान खान की किक 2। सलमान के साथ कौन सी एक्ट्रेस इस फिल्म में नजर आएंगी और किन किन फिल्मों से धमाल मचाने वाले हैं सल्लू भाईजान? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जोयाल। बात करेंगे किक 2 की, जो कि मोस्ट अवेटेड फिल्म है। इस फिल्म को भी साजिद नारियरवाला ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिलहाल वो कभी ईद कभी दिवाली को भी प्रोड्यूस करने वाले हैं। हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए साजिद ने अपनी आने वाली फिल्मों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सलमान और मैं लगभग 6 साल से किक 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं और 6 साल बाद ऐसा लग रहा है कि जुड़वा वाले दिन वापस आ गए हैं। किक के सीक्वल से पहले ही कभी ईद कभी दिवाली को लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने और ये बिल्कुल अलग तरह की फिल्म होने वाली है। ऑडियंस को इसमें सलमान का अवतार जरूर पसंद आएगा। इसके बाद साजिद ने किक 2 के बारे में भी चर्चा की। इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में उन्होंने कहा कि सलमान और साजिद दोनों ही किक का सीक्वल बनाना चाहते हैं। हमने इसकी स्क्रिप्ट लिख ली है जिसमें डेविल के कैरेक्टर को जस्टिफाई किया जाएगा। स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इस साल के अंत में लगभग इसका स्क्रीन प्ले पूरा हो जाएगा और उसके बाद किक 2 आएगी दोस्तों, यानी कि 2022 में ही आपको किक 2 देखने को मिलेगी। वैसे इसकी तैयारियां बहुत पहले हो चुकी थी लेकिन कोविड के चलते सब कुछ डिले हो गया है। काफी लंबे समय से ये भी खबरें थी कि किक 2 में जैकलीन फर्नांडिस को रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन इस पर भी साजिद ने कहा कि इसकी कहानी जैकलीन को लेकर ही लिखी गई है तो इसमें जैकलीन फर्नांडिस जरूर होंगी। और ये भी कहा कि जैकलीन के अलावा एक और एक्ट्रेस किक 2 में नजर आएंगी। वहीं दोस्तों सलमान खान की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो उनकी झोली अपकमिंग फिल्मों के पिटारे से भरी हुई है। आने वाले टाइम पे सबसे पहले ईद के मौके पर राधे योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज होगी जिसका बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा है। उसके बाद कभी ईद कभी दिवाली रिलीज हो सकती है जिसमें कि पूजा हेगड़े नजर आएंगी और ये फिल्म जो है इसमें 4 भाइयों की कहानी दिखाई जाएगी, मुस्लिम एंगल दिखाए जाएंगे और कभी ईद कभी दिवाली जैसा कि फिल्म का नाम है हिंदू मुस्लिम का एंगल दिखाया जाएगा। उसके बाद एक और फिल्म करने वाले हैं सलमान खान, इंडियाना जोन्स और अंतिम, जिसमें कि वो अपने जीजा आयुष के साथ नजर आएंगे और पठान में एमयू करने वाले, यानी कि सलमान खान जो आने वाले साल है पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। तो आप हमें बताइए कि सलमान की फिल्मों का आपको कितना इंतजार है और मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे पर दाग सिर्फ एक। पता नहीं कौन है, कहां है, सिर्फ उसका नाम पता है, डेविल। क्यों बॉलीवुड केक जैसी हाफ बेक सुपर फिल्म तक ही लिमिटेड है? हॉलीवुड की तरह ही बॉलीवुड अपनी सुपर हीरो कॉमिक बुक्स को फीचर फिल्म्स में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाया? बॉलीवुड एक सुपर हीरो फिल्म के लिहाज से क्लोजेस्ट क्रिश 2 और मिस्टर इंडिया तक ही आ पाई है, जहां क्रिश के आने के बाद हॉलीवुड सुपर हीरोज की तरह ही इस इंडियन सुपर हीरो की हाइप भी काफी स्ट्रांग थी। तो वहीं मिस्टर इंडिया जैसा अहेड ऑफ इट्स कंसेप्ट
आइकॉनिक कास्ट ने इसे एक कल्ट फिल्म का दर्जा दिला दिया। एंड सैडली इनके अलावा हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आउट एंड आउट सुपर हीरो फिल्म करार कर दिया जा सके। दोस्तों 2014 में आई किक फिल्म के ट्रेलर से जनता को ये उम्मीद तो बंधी थी कि फाइनली हमने एक मार्क सुपर हीरो मिलेगा एंड दैट टू प्लेड बाय अ मेनस्ट्रीम एक्टर सलमान खान। बट यार डिसअपॉइंटमेंट तब आई जब इस फिल्म में सुपर हीरो कॉन्सेप्ट को ग्रो करने के बजाय एक मसाला एंटरटेनर फिल्म बनाने में ज्यादा ध्यान दिया गया। ऑनेस्टली स्क्रैच से एक सुपर हीरो कॉन्सेप्ट डेवलप करना काफी भारी काम है, लेकिन ऑलरेडी सुपर हिट डोमेस्टिक सुपर हीरो को भी तो बता दे पर्दे पर पोर्ट्रे किया ही जा सकता है ना, जैसे हॉलीवुड ने किया मार्वल और डीसी कॉमिक के साथ, तो क्यों बॉलीवुड ने टाइमली और इवन अभी तक भी इंडियन कॉमिक्स को फीचर फिल्म नहीं बनाया। तो दोस्तों आज इन्हीं कुछ कारणों को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी आज की होस्ट अनुष्का त्यागी। देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। बॉलीवुड हमेशा से ही स्टोरी को अडाप्ट करता आ रहा है जो कि ऑलरेडी सुपर हिट हो, और जब बॉलीवुड के पास रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी आई सुपर फिल्म बनाने के लिए, तब तक की कॉमिक्स की पॉपुलैरिटी में ड्रास्टिक डाउनफॉल आ चुका था। अब इन कॉमिक्स की पॉपुलैरिटी क्यों कम हुई इसके लिए कई यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को ही ब्लेम करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ यही रीजन होता तो यूएस में तो टेक्नोलॉजी हमसे भी पहले आ गई थी, तो कायदे से तो उनकी कॉमिक्स हमसे भी पहले अनपॉपुलर हो जानी चाहिए थी। अब एक कॉमिक्स बुक्स के क्रेज में काफी ज्यादा घटौती सी आ गई थी, जहां 90s में 70-80 लाख कॉमिक्स सिर्फ 2 महीनों में छपती थी, तो वहीं आज के टाइम में ये नंबर 50-60,000 पर ईयर का हो गया है। कॉमिक्स की घटती डिमांड में कई सारे फैक्टर्स हैं, जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट कॉम्पिटिशन की कमी। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएस में 2 कॉमिक्स थी डीसी और मार्वल, सो मार्केट को कैप्चर करने के लिए इनके बीच में काफी तगड़ा कंपटीशन रहता है। एंड एज वी नो जहां कंपटीशन होगा वहां इम्प्रूवमेंट होगी। जबकि इंडिया में सिर्फ एक मेजर कॉमिक थी राज कॉमिक, जिन्होंने क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देना ज्यादा सही समझा एंड इवेंचुअली इनके वर्क्स में क्वालिटी डिग्रेड होती गई। यहाँ के कॉमिक राइटर्स को काफी कम महानता या सैलरी दी जाती है, और अच्छे अच्छे राइटर्स भी कम पैसे की वजह से राज कॉमिक्स क्विक करके न्यूज़पेपर और मैगजीन में लग गए। जब तक एक्सपीरियंस राइटर काम पे थे तब तक तो इंडियन सुपर हीरोज कॉन्सेप्ट में काफी लॉजिकल और साइंटिफिक अप्रोच रही थी, लेकिन जैसे ही नौसिखिए राइटरों ने ज्वाइन किया तो कॉमिक स्टोरी की क्वालिटी भी फुर हो गई। अब जब अबव एवरेज प्रोडक्ट जनता को मिलने लगा तो निश्चित ही कॉमिक डूबनी ही थी। देन दोस्तों राज कॉमिक्स में यूनिवर्स का कमी होना भी एक बड़ा फैक्टर है। नागराज, डोगा, ध्रुव ये अपने आप में तो काफी पॉपुलर थे, पर इनका क्रॉसओवर काफी कम करवाया जाता था एंड हेंस ये कैरेक्टर अपनी इंडिविजुअल आईडी से आगे बढ़ ही नहीं पाए। एंड फाइनली जब कॉमिक मार्केट इतनी बुरी तरह से डूबने लगी और बची कुची मार्केट को डिजिटल डिवाइसेस ने कैप्चर कर लिया, ऐसे में बॉलीवुड ने इन पे पैसा लगाना ही सही ना समझा और ये अपनी रोम को मसाला मूवी में ही खुश रहते दिखे। हालांकि इन कॉमिकल सुपर हीरोज के कैरेक्टर आज भी इतने कमाल के हैं कि किक और फ्लाइंग जट जैसे सुपर हीरोज से तो एडवांस्ड ही लगते हैं, तो अगर सही स्टोरी और VFX मिल जाए तो ये कैरेक्टर्स बड़े पर्दे पर फिल्म अभी भी हिट हो सकती हैं। बस जरूरत है तो किसी फिल्म मेकर की डेयरिंग की। 2-3 साल पहले कुणाल रॉय कपूर ऑन स्क्रीन डोगा वैन के इस सिलसिले की शुरुआत करने की तो सोच रहे थे, लेकिन अब इस मामले में भी शांति बनती नजर आ रही है। अब दोस्तों इंडियन सुपर हीरो फिल्म स्टोर नाम भरोसे ही है। अब दोस्तों बस आज की वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। और हमारे आज के राइटर हैं पंकज। मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे पर दाग सिर्फ एक। पता नहीं कौन है, कहां है, सिर्फ उसका नाम पता है, डेविल। किक 2 क्या 2014 में आई सलमान खान की फिल्म किक की सीक्वल की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और क्या डायरेक्टर साजिद नाडियावाला फिल्म को इस साल ही रिलीज करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं फलक गुप्ता आज आपसे आपके फेवरेट स्टार सलमान खान की आने वाली फिल्म किक 2 के बारे में बात करने वाली हूं। 2014 में आई फिल्म किक ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी किक मारी कि सीधा 400 करोड़ की फिल्म की सूची में शामिल हो गई।
फिल्म की सफलता को देखते हुए डायरेक्टर ने इसके सीक्वल को बनाने के बारे में भी सोचा, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि फिल्म की सीक्वल को आने में 6 साल लग गए। फिल्म में इस बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी होंगे या नहीं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इस बार विलन के रोल में कौन रहेगा इसकी कोई खबर नहीं है। फिल्म में सलमान और जैकलिन के अलावा जो नाम काफी समय से सुनने में आ रहा है वो है एक्टर करण आनंद है। करण आनंद को सबसे पहले फिल्म गुंडे में देखा गया था जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया था। फिल्म में करण विलेन के रोल में दिखेंगे। आनंद ने कई फिल्मों में डार्क रोल किया है और अब वह फिल्म किक 2 में भी कुछ इसी अंदाज में दिखने वाले हैं। करण के अलावा फिल्म में एक इंटरनेशनल विलेन भी होगा जिसको फिल्म के सेकंड पार्ट में दिखाया जाएगा, लेकिन वह कौन होगा इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म एक नई ट्रेन की पटरी पर दौड़ेगी, इसलिए कुछ नए और कुछ पुराने चेहरे होंगे। जहां एक तरफ देवीलाल की कहानी खत्म हो गई थी वहीं एक और कहानी शुरू होगी। फिल्म की शूटिंग मुंबई के अलावा वर्जीनिया अमेरिका में होगी। फिल्म में सलमान को एक नए अंदाज में दिखाया जाएगा जिसका व्यवहार देवी के कैरेक्टर से एकदम उल्टा होगा। इसको जिंदगी में किक नहीं आराम चाहिए। वह भारत आने का प्लान बनाता है जहां मुंबई में उसके परिवार की जमीन होती है, लेकिन जमीन पर फिल्म का विलेन करण आनंद अवैध तरीके से पहले से ही कब्जा कर चुका होता है। वहीं उसकी मुलाकात जैकी से होती है जो फिल्म में एक राइटर के रोल में होंगी और सलमान के प्यार में भी अपने परिवार की जमीन को वापस पाने के लिए देवी करण से लड़ता है और काफी मारामारी के बाद अपनी जमीन वापस ले लेता है। और वर्जीनिया वापस जा रहा होता है सलमान, लेकिन तभी उसको जैकलिन से मोहब्बत का एहसास होता है। जब वह जैकलिन के घर उसको अपने दिल की बात बताने जाता है तब वहाँ कोई नहीं होता है, तो कहाँ गई जैकलिन। फिल्म में यह अब तो एक ट्विस्ट आता है और वह ट्विस्ट था कि सलमान का एक ऐसा दुश्मन था जो उनका पीछा करते हुए वर्जीनिया से मुंबई आ जाता है। मुंबई आकर उसको फॉलो करता है और वहीं से सलमान और जैकलिन के बीच पनप रही मोहब्बत का फायदा उठाने के बारे में सोचता है। जब सलमान करण से अपनी जमीन के चक्कर में लड़ रहे होते हैं तब वह जैकलिन को किडनैप करके उसको एक दूर गांव में ले जाता है। अब सलमान को अपनी मोहब्बत जैकलिन को बचाने के लिए किसी इंटरनेशनल विलन से लड़ना पड़ेगा। जहां देवी एक आराम की जिंदगी चाह रहा होता है वहीं किस्मत ने उन्हें एक अलग ही राह चुनी होती है और देवी को डेविल बनने का अवतार फिर से लेना पड़ता है। तो क्या डेविल अपने प्यार को बचा पाएगा और क्या करण अपनी हार का कड़वा घूंट पी पाएगा, ये तो हमें मूवी देखकर ही पता चलेगा। और क्या क्या ट्विस्ट आते हैं वो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिमरन रावत ने लिखी है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी। चेतन भगत के लिए किक फिल्म एक परफेक्ट मैच रही। किक फिल्म में यूज होने वाली कमाल सुपर बाइक्स कौन सी थी? 2014 की सलमान स्टारर किक एक रीमेक थी जिसे ओरिजिनली बनाया गया था तेलुगु में स्टारिंग मास महाराजा रवि तेजा ने, लेकिन रीमेक होने के बावजूद भी हिंदी वर्जन में कुछ वो एक्स फैक्टर दिखता है जिसे ये सक्सेस के मामले में ओरिजिनल से काफी आगे निकल गई। वन रीजन डेफिनेटली सलमान खान है, लेकिन वो तो राधे में भी रहे, तो क्या इन्हीं की प्रेजेंस फिल्म को हिट कर पाई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बल्कि किक में जो बात काम कर गई वो रही एक ऑलरेडी हिट स्टोरी को एक जबरदस्त स्क्रीन प्ले देना, ताकि स्टोरी सलमान के पर्सोना से टेलर फिट हो जाए। और मेजॉरली इस कमाल स्क्रीन प्ले का श्रेय जाता है इंडिया के बेस्ट सेलिंग ऑथर और नॉवेलिस्ट चेतन भगत को। कैसे नॉवेल लिखते लिखते ये फिल्म की कहानी लिख गए और कैसे ये फिल्म इनकी पर्सनल स्टोरी से काफी रिजोनेट होती है। चेतन भगत और बॉलीवुड का नाता तो अटूट सा रहा है, जहां इनकी 9 में से 5 नॉवेल्स तो सुपरहिट फिल्म्स भी हो चुकी है, लेकिन किक के स्क्रीन प्ले की जब बात आती है तो ये फर्स्ट चॉइस नहीं थे। साजिद 3 इडियट फेम राइटर अभिजीत जोशी से किक का स्क्रीन प्ले लिखवाना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से यहाँ बात बन नहीं पाई और एंट्री हुई एक ऐसे राइटर की जो खुद भी जिंदगी में किक के पीछे ही भागता आया है। जैसा कि किक में डेविल का कैरेक्टर था, मनमानी करके किक मिलती थी और न जाने क्यों कन्वेंशनल कामों में उसका मन टिकता ही नहीं था, वैसी ही कुछ चेतन भगत की रियल लाइफ स्टोरी भी रही है। IIM से MBA करने के बाद जनाब को हांगकांग के एक बैंक में नौकरी लग गई थी। कुछ साल उन्होंने वहाँ जॉब की, लेकिन ऑलमोस्ट किक ही मिसिंग थी इनकी इस घिसी पिटी 9 to 5 जॉब में। साथ ही साथ इन्होंने फन के लिए 3 इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रेंड्स की कहानी लिखनी शुरू कर दी। बस वही इन्हें अपनी इनर किक राइटिंग का आभास हो गया, तो बस अपनी लग गई और नौकरी को लात और चल दिए राइटर बनने के सफर में। इनकी फर्स्ट नॉवल 5 Points समवन को रीडर्स
ऑडियंस ने इतना ज्यादा पसंद किया कि इस पर ही बेस्ड है हमारी ऑल टाइम फेवरेट थ्री इडियट्स मूवी। अब केक जैसी किकास्टिक स्टोरी को चाहिए था एक ऐसा मार्वलस राइटर जिसे बेसिकली राइटिंग में भरपूर किक मिलती हो, और इंडिया के बेस्ट सेलिंग ऑथर चेतन भगत से बढ़िया और कौन ही हो सकता था। इन्होंने किक के हिंदी स्क्रीन प्ले लिखते हुए काफी सारे इंटेंशनल चेंजेस किए एंड टू द सरप्राइज यही फैक्टर्स काम कर गए किक को ब्लॉकबस्टर बना पाने में। किक एक क्रेजी कैरेक्टर की स्टोरी रही जिसका पहनावा चाल चलन सब अतरंगी था, लेकिन फिल्म के एक और अतरंगी एस्पेक्ट से आपका ध्यान भी जरूर खींचा होगा, वो थी देवीलाल सिंह की यूनिकली मॉडिफाइड बाइक। ये सीन था जैकलिन और सलमान के फर्स्ट कैरेक्टर इंट्रो की, जिसमें सुजुकी इंट्रूडर बाइक में एक मॉडिफाइड फॉक्स वैगन को अटैच किया गया था, और इस मॉडिफिकेशन से ये गाड़ी सही सवारी से काम नहीं कर रही थी। किक में इन्होंने मोस्टली सुजुकी बाइक्स यूज की थी बिकॉज सलमान बीइंग ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सुजुकी, इसलिए फिल्म में हमें सुजुकी इनाजुमा हयाते GSX R 1000 जैसी बाइक देखने को मिली थी। इसी के साथ वीडियो भी होती है समाप्त, लेकिन आप देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज चैनल को। छपी थी और क्यों ये वन ऑफ अ काइंड इनिशिएटिव रही। साजिद नादियावाल ने अपनी लेट वाइफ दिव्या भारती को किक में किस खास अंदाज में ट्रिब्यूट दिया। आपने बुक से मूवी बनती हुई तो काफी बार देखा होगा, जैसे हॉलीवुड में हैरी पॉटर और बॉलीवुड में टू स्टेट्स और हाफ गर्लफ्रेंड जैसी फिल्म। बुक के साथ इनकी स्टोरीज की सिनेमैटिक वर्जन भी काफी सुपरहिट रही। लेकिन क्या कभी किसी मूवी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद उससे बुक छपती देखी है? नहीं ना। लेकिन ये बॉलीवुड है जनाब, यहाँ काफी कुछ अतरंगी होता है, और इस फिल्म ने तो फिल्म से लेकर बुक छपने तक का सफर काफी अच्छी तरीके से मुकम्मल कर दिया था 2014 में। तो कौन सी ऐसी वो ब्लॉकबस्टर फिल्म है और क्या कुछ इंटरेस्टिंग छुपा है उसके कॉफी टेबल बुक वर्जन में? 2014 में सलमान फैंस के लिए आई एक प्योर ट्रीट टू वॉच फिल्म किक, जिसने सब बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स को तोड़ फोड़ दिया था। ये फिल्म सलमान के लिए फर्स्ट फिल्म रही जो 300 करोड़ के प्रेस्टीजियस क्लब में एंटर हुई। सलमान के साथ साजिद एज अ डेब्यू डायरेक्टर के लिए ये फिल्म इतिहास रच देने वाला काम कर गई। अब जब इस फिल्म को इतनी भर भर के तारीफ मिली रही थी तो साजिद ने सोचा क्यों ना इस फिल्म की प्रीशियस मेमोरी को लाइफ टाइम के लिए संजो लिया जाए। किक की धमाकेदार सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने कॉफी टेबल बुक लॉन्च की, जिसका नाम दिया किक अ करिश्मेटिक जर्नी, और इसके साथ ये बॉलीवुड की पहली ऐसी बुक बन गई जो फिल्म के सक्सेस के बाद छपी। इस बुक में डेविल के फेमस मास्क बनने से लेकर फिल्म के अतरंगी डिजाइन वाली बाइक से लेकर आई कैचिंग कलर कॉम्बिनेशन, स्टार कॉस्ट्यूम और काफी सारे कमाल के पोस्टर और फिल्मों से जुड़े काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एक परफेक्ट कॉफी टेबल रीड दे सकती है आपको ये बुक। सलमान के डाई हार्ट फैंस के लिए तो ये बुक काफी बेहतर गिफ्ट के तौर पर साबित हुई, जो सलमान की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी जर्नी पे आपको ले जा सकती है। अपने डायरेक्शन डेब्यू करने के नाते साजिद के लिए किक की सक्सेस मोस्ट इम्पोर्टेंट माइलस्टोन तो है ही, साथ ही ये एक्चुअल मूवी भी इनके लिए काफी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि इसमें छुपी है इनकी लेट वाइफ दिव्या भारती की इनविजिबल यादें। साजिद दिव्या भारती से मैरिड थे जब 19 साल की उम्र में उनकी वाइफ की डेथ हो गई, लेकिन साजिद ने किक में अपने फॉरएवर लव को एक स्पेशल ट्रिब्यूट देने की सोची। फिल्म में उन्होंने सात समुंदर पार गाने को इनिशियल इंक्लूड किया, जिसमें सलमान ने अपने क्रेजी डांस स्टेप्स दिखाए थे। असल में ये ओरिजिनल गाने पे दिव्या भारती ने परफॉर्म किया था अपने डेब्यू फिल्म पर। साजिद ने इस गाने को सारे गामा से 1.5 करोड़ में खरीद लिया, और सलमान और साजिद दोनों ने इस कॉम्पोजिशन को दिव्या भारती को एक मेमोरेबल ट्रिब्यूट दिया। इवन इज इटर्नल लव को साजिद ने 2000 तक ही हर फिल्म में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया था, अंटिल इनकी रीमैरिज हुई 2004। इस तरह से ये मूवी ना केवल इकोनॉमिकली बल्कि इमोशनली भी साजिद के लिए किक मूवी काफी ज्यादा स्पेशल है, और ये इस मूवी से
मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे पर दाग सिर्फ एक। पता नहीं कौन है, कहां है, सिर्फ उसका नाम पता है, डेविल। किक फिल्म का ऐसा एस्पेक्ट कौन सा रहा जो मोस्ट लॉजिकल था? क्यों बॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म्स उतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी हॉलीवुड की? सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार तो है ही, जिनका स्टारडम आज भी अनमैचेबल है, लेकिन इसी के साथ इन्हें मनी मेकिंग मशीन भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पिछले दशक में इनकी मोस्ट ऑफ द फिल्म्स ब्लॉकबस्टर रही हैं और ले दे के मेकर्स की जेबें गरम करती आई हैं। फिल्म की स्टोरी जब इनके परसोना से मैच खा जाए तब बॉक्स ऑफिस पर शेर की दहाड़ जैसे आती है, लेकिन स्टोरी के साथ इनका मिसमैच भी बॉक्स ऑफिस पे अबव एवरेज कमाई कर जाता है। आज हम ऐसी एक फिल्म की बात करने जा रहे हैं जो कि मनी वाइज तो कुबेर का खजाना साबित हुई और कई लोगों ने इसे फ्लॉलेस भी क्लेम किया है, लेकिन हमारे नजरिए से देखें तो 2014 की आई किक में कुछ इलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं। यही अंडरलाइंग एस्पेक्ट और क्यों बॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म्स उतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी हॉलीवुड की, इस पे से पर्दा उठाएंगे बस थोड़ी ही देर में। बने रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ, मैं हूँ आपकी एंकर हस्ती चंद्रेसा। वैसे तो 2009 की तेलुगु टू हिंदी रीमेक किक की स्टोरी डिसेंट रही थी, ऑल थैंक्स टू साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स, लेकिन इसके हिंदी वर्जन ने सक्सेस के मामले में ओरिजिनल फिल्म को रेस में काफी पीछे छोड़ दिया। इस भारी भरकम सक्सेस का कारण रहे सुपरस्टार सलमान और स्क्रिप्ट में किए कुछ इंटेंशनल चेंजेस, लेकिन हिंदी वर्जन का एक अंडरलाइंग एस्पेक्ट है जो शायद आपके दिमाग में भी जरूर खटका होगा, वो है देवी लाल सिंह कैरेक्टर को सही से डेवलप ना करना। वैसे तो डेविल एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन काम सारे सुपर हीरो वाले कर रहे हैं। सुपर हीरो मास्क, जॉ ड्रॉपिंग स्टंट्स, फाइट सीक्वेंस और इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स है इलॉजिकल किक। कभी कभार ऐसा लगता है कि मेकर्स खुद भी मझधार में हैं कि ये सुपर हीरो है या आम इंसान, और फाइनली इस कैरेक्टर को भी मॉडरेटली डेवलप करके मझधार में छोड़ देते हैं। एक फैक्ट एज एन ऑडियंस यहाँ पर क्लियर कर दे कि हमें सुपर हीरो फिल्म से कोई खास दिक्कत नहीं है। जब हमने आयरन मैन और थॉर जैसे फिक्शनल कैरेक्टर्स को मान लिया है तो इन्हें भी एक्सेप्ट कर ही लेंगे, बट एक्चुअल डिमांड है इंडियन फिल्म्स की तरफ से सुपर हीरो कैरेक्टर डेवलपमेंट में लॉजिकल अप्रोच। हॉलीवुड अपने कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए पूरी पूरी फिल्म लगा देते हैं और यहाँ डेविल की सो कॉल्ड सुपर पावर्स को दिखाने के लिए सिर्फ एक छोटा फ्लैशबैक, और इन पावर्स का रीजन जी ये तो बाय बर्थ डिफेक्ट है। इस हाफ बेक्ड सुपर हीरो मूवी से ये क्वेश्चन जरूर उठता है कि क्या बॉलीवुड कभी सक्सेसफुल सुपर हीरो मूवी बना पाएगा, क्योंकि सुपर हीरो कैरेक्टर डेवलपमेंट के मामले में बॉलीवुड राइटर्स की सोच और लॉजिक काफी एवरेज रही है। जैसा कि हमने फ्लाइंग जट जैसी मूवी में देखने को मिला था, टाइगर श्रॉफ को सुपर नेचुरल पावर्स मिलता है एक होली पेड़ से पीठ जोड़ के, वाह। वाइल्ड रोबोट सीरीज में फिर भी डिसेंट लॉजिक दिखाया और इसे लोगों ने डिजर्व्ड अप्रिसिएशन भी दी। मच एंटिसिपेटेड क्रिश के थर्ड पार्ट ने एटलीस्ट स्टोरी वाइज तो काफी डिसअपॉइंट किया, लेकिन फिर भी क्रिश वॉज अ सुपरहिट फिल्म जो शो करता है कि इंडियन ऑडियंस काफी डेस्परेट है पाथ ब्रेकिंग सुपर हीरो कंटेंट के लिए। बस बॉलीवुड को ध्यान देना है इन कंसेप्ट को लॉजिकल अप्रोच के साथ डेवलप और कंसेप्चुअलाइज करने में, बाकी VFX और ग्राफिक्स के मामले में तो हम भी कहां किसी से पीछे हैं।
हॉलीवुड से एक्शन के मामले में बॉलीवुड ज्यादा पीछे नहीं है। इवन हर एक जॉनर में हमारे पास इक्विवेलेंट कंपेलिंग स्टोरीज है। लेकिन सुपर हीरो फिल्म्स के मामले में हम क्यों रेस में इतने पीछे हैं कि उनका 90s का सुपर हीरो कंसेप्ट हम आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। तब तक आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करिए ताकि पार्ट 2 जल्द ही आ सके। फिलहाल के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किक जैसी कमर्शियल मसाला फिल्म जबकि एक नॉन कमर्शियल फिल्म्स की तरह ज्यादा इंक्लाइंड थे। किक में नवाजुद्दीन के विलेनियस कैरेक्टर के पीछे क्या इंस्पिरेशन रही होगी? तो दोस्तों 2014 की किक फिल्म सलमान के लिए काफी सक्सेस साथ लेकर आई थी। ये इनकी फर्स्ट फिल्म थी जो 200 करोड़ पार कर गई। तो साथ ही अपने डेविल अवतार से भी भाई ने फैंस को एक अलग ही लेवल की किक दी थी। इनिशियली किक को तो प्लान किया गया था रवि तेजा का ऑफिशियल हिंदी डेब्यू के लिए, जो कि ओरिजिनल किक में भी किक एस्ट एक परफॉर्मेंस दे चुके थे। बट दोस्तों समहाउ आइडिया इवेंचुअली ड्रॉप हुआ और एंट्री हुई बॉलीवुड एक्टर्स की। किक के बाद हमने एक ऐसे एक्टर का फिनोमिनल राइज देखा जिसने आज तक भी हमें अपनी फिल्मोग्राफी से हुक रखा है। जी नहीं, सलमान की नहीं बल्कि किक के विलन नवाजुद्दीन सिद्दीकी आकाश शिवगजरा की बात कर रहे हैं। उस समय तक हमने इन्हें नॉन कमर्शियल फिल्म्स का हिस्सा बनते हुए देखा था, जैसे लंच बॉक्स, पीपली लाइव, लायर्स डाइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सडनली किक के साथ इन्होंने अपने आप को कम्फर्टेबली स्पेस में भी स्टैब्लिश कर लिया। जानेंगे इसी बारे में थोड़ी देर बाद, पर उससे पहले बॉलीग्राड स्टूडियोज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए मेरे साथ यानी कि अपने होस्ट के साथ। मैं हूँ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों 2014 तक नवाज ने काफी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में बकमाल रोल्स निभाए थे, लेकिन इंडियन ऑडियंस की स्टार पावर के पीछे ढूंढने की आदत की वजह से इनकी कोई फिल्म कुछ खास ग्राउंड ब्रेकिंग ना कर पाई। उसी समय के अराउंड साजिद ने किक की स्टोरी में विलन का रोल लिखा ही नवाज को ध्यान में रखकर था। अब इसे वासेपुर इफेक्ट ही कह लो कि इनका नाम ही बैड गाय के साथ रिलेट हो गया था। वैसे तो नवाज अपनी फिल्म्स को बड़े कायदे से चुनते हैं और चुनिंदा ऐसी स्टोरीज लेके आते हैं जिसका अल्टीमेटली कुछ इम्पैक्ट हो, लेकिन किक जैसी बड़ी फिल्म के ऑफर को तो वो भी रेजिस्ट ना कर पाए। अब दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये साफ रिवील कर दिया कि उन्होंने किक साइन ही इसलिए की थी कि उनकी रीच मासेस तक हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली सलमान मास स्टार हैं, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस का बिगर हीप इनके किक रोल से रिकॉल कर ले और फर्दर इनके स्मॉल बजटेड फिल्म से लोग ध्यान दे और इवेंचुअली ये कमाल स्टोरीज भी अच्छा बिजनेस कर पाए। तो साथ ही नवाज बिग बजटेड फिल्म्स को कई बार इसलिए भी एक्सेप्ट कर लिया करते हैं कि आगे किसी कंपेलिंग फिल्म को बिना किसी फीस के लिए भी कर सके। इनकी इस अप्रोच से तो ये साफ हो जाता है दोस्तों कि एक्टर मनी या फेम के लिए नहीं बल्कि इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग के लिए, प्योर जॉय के लिए काम कर रहा है। खैर ये बात थी 2014 की जब नवाज रिलेटिवली कम नोन थे, लेकिन अपने शी टैलेंट के दम पर आज तो ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। बात करें कि टू मेन के कैरेक्टर की तो इन्हें तो खुद ही उतने अप्रिसिएशन की उम्मीद नहीं थी जितनी जनता ने इन्हें दी है। थिएटर में बजती तालियां और सीटियां इस बात की गवाही दे रही थी कि अपने छोटे रोल से भी नवाज ने कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। वहीं निभाने वाले जितना हार्ड था उतना ही हार्ड कैरेक्टर डिफाइंड भी था और काफी सारे इंस्टेंस में ये मास्टर ऑफ ऑल विलन जोकर से इंस्पायर्ड तो जरूर लगता है, स्पेशली हॉस्पिटल सीन जहां नवाज नर्स की तरह ड्रेस्ड अप है डार्क नाइट के जोकर से काफी हेवनली इंस्पायर है। तो दोस्तों लेकिन अच्छी बात यह है कि मेकर्स इसे वन स्टेप फर्दर ले गए और कैरेक्टर में ऐड की और भी डेड न्यूएंसेस जैसे डार्क ह्यूमर और विकेड लव। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सलमान खान की फिल्म किक किस तेलुगु फिल्म का रीमेक है? किन कारणों की वजह से किक एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी? क्या होने वाली है किक 2 की स्टोरी? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी इस वीडियो में, तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पिछले कुछ सालों से सलमान खान बॉक्स ऑफिस के बादशाह बने हुए हैं। जी हाँ, उनकी बैक टू बैक कई फिल्में रिलीज हो रही है
और उनकी ज्यादातर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कमाई कर रही है। इसका बहुत सारा फैक्टर है और इसके बेसिक फैक्टर्स के बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दूं, एक तरफ जहां उनका एक्शन सीन्स और उनके डायलॉग डिलीवरी हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, तो वहीं एक और फैक्टर है उनके सक्सेसफुल करियर, उनके बॉक्स ऑफिस हिट का, और वो है फिल्मों के रिमेक्स। सलमान खान की ज्यादातर फिल्में दूसरी फिल्मों के रीमेक्स होते हैं। सलमान खान की फिल्म रेडी हो या फिर बॉडीगार्ड या फिर किक की ही बात कर ले, ये तमाम फिल्में एक रीमेक स्टोरी थी और इन तमाम फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कमाई भी किया। इसी बीच दोस्तों एक और खबर आ रही है, सलमान खान जल्द ही किक के सीक्वल पर भी काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और किक 2 की स्टोरी भी एक रीमेक फिल्म पर बेस्ड होने वाली है। 2014 में सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म किक को रिलीज किया गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ना सिर्फ अच्छी खासी कमाई की बल्कि सलमान खान के करियर को भी बूस्टअप किया। दोस्तों वैसे तो किक की स्टोरी को काफी पसंद किया गया था, लेकिन आपको बता दूं बॉलीवुड अक्सर ही अपनी फिल्मों को कॉपी करता आया है और यही हमें देखने को मिला था किक में भी। किक तेलुगु फिल्म की कॉपीड थी, रवि तेजा की तेलुगु फिल्म की रीमेक थी किक। वेल दोस्तों, जितनी वो तेलुगु फिल्म हिट नहीं हुई थी उससे ज्यादा सलमान खान की ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसका क्रेडिट जाता है साजिद नाडियावाला और सलमान खान को। फिल्म से जुड़ी छोटी छोटी चीजों पर इन दोनों ने काफी ध्यान दिया और इसी वजह से किक की स्टोरी लाइन दर्शकों को बेहद पसंद आई। किक के सक्सेसफुल होने के 3 फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। वह सबसे पहला फैक्टर है किक का एक्शन थ्रिलर होना। जी हाँ, इस फिल्म में सलमान खान कई स्टंट सीन्स और एक्शन सीन्स करते हुए नजर आए। वेल अगर रवि तेजा की बात करें जो ओरिजिनल किक के हीरो थे, तो उन्होंने अपने साइड से परफॉर्मेंस वाइज तो 100% दिया, लेकिन एक्शन वाइज चूक गए थे। और ऑडियंस को चाहिए भरपूर एक्शन जो उन्हें सलमान खान के किक में देखने को मिला और इसी वजह से किक एक सक्सेसफुल स्टोरी साबित हुई। अगर दूसरे फैक्टर की बात करें तो वो है किक का स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन। जी हाँ, सलमान खान की फिल्म में दर्शकों को भरपूर एक्शन, इमोशन, लव, ड्रामा सब देखने को मिला और यही एक फिल्म की स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है। किक के सक्सेसफुल होने का तीसरा और एक बेहद अहम फैक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जी हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के उन फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक है जिनकी डायलॉग डिलीवरी हमेशा से ही बहुत दमदार रही है, जो हमें किक में देखने को मिला था। किक में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने विलन का किरदार निभाया था जो दर्शकों को बेहद इम्प्रेस कर गया। वेल, ये तमाम रीजंस थे जिन्होंने किक को एक सक्सेसफुल बॉलीवुड मूवी बना दिया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दोस्तों जल्द ही सलमान खान किक का सीक्वल भी लेकर आने वाले हैं जिस पर फिलहाल काम चल रहा है। वहीं रवि तेजा की ऑलरेडी किक 2 आ चुकी है। ऐसे सोर्सेस बता रहे थे कि शायद एक बार फिर से तेलुगु की इस फिल्म को कॉपी किया जाएगा, यानी किक 2 की स्टोरी को बॉलीवुड में दर्शाया जाएगा। फिलहाल रवि तेजा ने इस पर खुद अपना ऑफिशियल कंफर्मेशन दिया है कि ऐसा नहीं होने वाला है। मेकर्स जो है किक के, वो अपने लिए यानी बॉलीवुड के लिए कुछ अलग प्लान कर रहे हैं जो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। और सलमान खान ने भी एक इंटरव्यू के दौरान इस बारे में कंफर्मेशन दी कि किक 2 की स्टोरी ओरिजिनल होने वाली है। अब आने वाले दिनों में पता चलता है किक का बेसिक स्टोरी लाइन क्या होने वाला है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही एक जितना कमजोर होगा दूसरे में उतनी ही ताकत होगी। बहुत प्यार करते थे उससे। सलमान खान
सलमान किक 2 की शूटिंग कब शुरू करेंगे, कब रिलीज होगी किक 2 और क्या ये किक का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी, किक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। किक के बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद अब किक 2 का इंतजार है, लेकिन सलमान खान है कि बड़ा टाइम लगा रहे हैं किक 2 बनाने में, और अब कुछ कंफर्मेशन आई है किक 2 के लिए, तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा अगर आपको किक बहुत ज्यादा पसंद थी। दोस्तों, किक जो फिल्म थी उसमें आपको जैकलिन फर्नांडिस नजर आई थी और रणदीप हुड्डा नजर आए थे, और किक 2 में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि सलमान खान देवी लाल वाला ही किरदार करने वाले हैं और जैकलिन बनने वाली है डॉक्टर स्टाइना। लेकिन रणदीप हुड्डा इस फिल्म में होंगे या नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। वहीं ये भी कहा गया है कि इसमें जैकलिन के अलावा एक और एक्ट्रेस इस फिल्म में नजर आ सकती है, वो एक्ट्रेस कौन है ये भी नहीं पता है। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म की शूटिंग 2022 में शुरू होगी और क्रिसमस 2022 में इसे रिलीज किया जाएगा, क्योंकि क्रिसमस से पहले ईद में सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली रिलीज होनी है, और ठीक इस फिल्म के बाद वो जुड़ जाएंगे किक 2 की तैयारियों में, और इसके लिए वो अपने बॉडी में फिर से वर्कआउट करेंगे। फिलहाल तो जो उनकी बॉडी हो रखी है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। उनका जो हाल ही में पिक्चर इंस्टाग्राम पर रिलीज किया गया था उसने धमाल मचा दिया, और 24 घंटे के अंदर अंदर उसे 2.1 मिलियन लाइक्स भी मिल चुके थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। किक 2 में अलग तरह का एक्शन देखने को मिलेगा, आपको एक्शन सीक्वेंस भी बेहतरीन होने वाले हैं। और इसके अलावा जो साजिद नाडियाडवाला है फिल्म के प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट मैं दिलो जान से लिख रहा हूँ, यानी कि बहुत अच्छे से वो फिल्म पर काम करना चाहते हैं, इसीलिए ज्यादा टाइम दिया जा रहा है किक 2 को। फिल्म किक के गाने से लेकर फिल्म का एक्शन और स्टोरी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, इसीलिए बहुत ज्यादा बज है किक 2 को लेकर। किक की बात करें तो इसने 435 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया था, और सलमान खान की बेहतरीन फिल्मों में किक शुमार हो चुकी थी, इसीलिए किक 2 का इंतजार है। तो आपको क्या लगता है, किक 2 कितने करोड़ का कलेक्शन कर लेगी, क्या वो पिछले किक का रिकॉर्ड तोड़ देगी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किक 2 का कितना इंतजार है, सलमान खान की फिल्मों का कितना इंतजार रहता है, कैसे लगते हैं सलमान खान आपको ये भी बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए, बॉलीवुड से जुड़ी वही टॉलीवुड हॉलीवुड खबरों के लिए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए, वेब सीरीज के रिव्यूज के लिए, और सभी फिल्मों के रिव्यूज और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल। मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे पर दाग सिर्फ एक। पता नहीं कौन है, कहाँ है, सिर्फ उसका नाम पता है, डेविल। बेहतरीन अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बॉलीवुड में अपनी करियर, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब कभी भी हम आपके पसंदीदा सितारों के फिल्मों के बारे में अपडेट्स लाए तो वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे विश्व स्तर पर अपने कला का प्रदर्शन दे चुके नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। दोस्तों, बेशक नवाजुद्दीन एक लाजवाब व बेहतरीन एक्टर है और उनकी एक्टिंग की तारीफ तो हर कोई करता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि नवाजुद्दीन उन एक्टर्स में से है जिनमें कला का भंडार होने के बावजूद भी अपना करियर बनाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ा था। दोस्तों, नवाजुद्दीन ने अपनी पहली एक्टिंग शाहरुख खान की फिल्म शरफरोश में एक छोटा सा रोल निभाने से शुरू किया था, जो कि 1999 में रिलीज हुई थी। और दोस्तों, लेकिन उनको असली पहचान अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे, जो कि वर्ष 2007 में रिलीज हुई थी, उसी फिल्म से शुरू हुई थी। और दोस्तों, उस फिल्म के बाद से लोग उनको जानने लगे थे, उनको पहचानने लगे थे और उनको एडमायर भी करने लगे थे। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ की गई थी, और आज के डेट में नवाजुद्दीन को कौन नहीं जानता है, किसने उनकी एक्टिंग को नहीं सराहा है। नवाजुद्दीन आज बॉलीवुड के जाने माने चेहरों में से एक बन चुके हैं। नवाजुद्दीन ने कई सारे सुपरहिट फिल्में किए हैं तो कई सारे वेब सीरीज भी किए हैं, जिसके लिए उन्हें कई अवार्डों से नवाजा भी गया है।
और दोस्तों इस वक्त वे अपने अपकमिंग फिल्म किक 2 में विलन के रोल के लिए चर्चे में आ रहे हैं। दोस्तों फिल्म किक में उन्होंने जो विलन का रोल निभाया था वह लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया था और अब लोग उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि किक 2 में भी वो ऐसा ही धमाल मचाने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है ये हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे पर दाग सिर्फ एक। पता नहीं कौन है कहां है सिर्फ उसका नाम पता है डेविल। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस इस वर्ष बुलंदियों पर है और वे इस वर्ष कई फिल्मों को कर रही हैं। दोस्तों यह वर्ष जैकलिन फर्नांडिस के फैंस के लिए काफी लकी साबित होने वाला है और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इस वर्ष जैकलिन फर्नांडिस कई फिल्मों पर काम करने वाली है और इन सभी फिल्मों के प्रोमोज को उनके ट्रेलर्स को उनके फर्स्ट लुक को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सभी फिल्में सुपरहिट होने वाली है और इन सभी फिल्मों को कर जैकलिन फर्नांडिस की करियर एक अलग ही मुकाम पर जाने वाली है। दोस्तों इस बात में कोई संशय नहीं है कि अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस एक मेहनती और पावरफुल एक्ट्रेस है और जितना ही अपने फिटनेस के लिए चर्चे में रहती है उतना ही वह अपने बोल्डनेस के लिए भी जानी जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस वर्ष जैकलिन फर्नांडिस ब्लॉकबस्टर रह चुके फिल्म किक के दूसरे सीक्वल पर काम करने वाली है और इस फिल्म में भी वह सलमान खान के साथ मुख्य भूमिका को निभाने वाली है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिल्म किक में भी जैकलिन फर्नांडिस ही मुख्य भूमिका को निभाई थी और इस फिल्म में उनके एक्टिंग उनके लुक उनके पर्सनैलिटी को काफी सराहा गया था और एक बार फिर वह किक 2 में भी अपनी इन्हीं अदाओं से सबको मोहने वाली है। फिल्म किक ने ही जैकलिन फर्नांडिस के करियर को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा किया था। अब देखना यह है कि जैकलिन फर्नांडिस किक 2 में क्या धमाल मचाती है। और वैसे दोस्तों आपको बता दें कि जैकलिन फर्नांडिस किक 2 के अलावा भूत पुलिस में भी मुख्य भूमिका को निभाते हुए नजर आने वाली है। यह फिल्म आगामी 10 सितंबर 2021 को रिलीज होने वाली है और इस फिल्म में उनके अलावा सैफ अली खान और यामी गौतम भी नजर आने वाले हैं और इतने बेहतरीन एक्टर्स को फिल्म में होता हुआ देखकर यह बात को अनुमान तो बिल्कुल भी लगाया जा सकता है कि यह फिल्म भी एक सुपरहिट फिल्म होने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों जैकलिन फर्नांडिस रेस 4 में भी नजर आने वाली है और इस फिल्म में भी वे सलमान खान के साथ ही मुख्य भूमिका को निभाने वाली है। बता दें कि किक 2 की तरह रेस 4 भी एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म में भी कई सारे स्टाइलिश कैरेक्टर्स को देखने को मिलेगा और यह फिल्म भी एक सुपरहिट होने वाली है इस बात में कोई संशय नहीं है। वैसे ये तो हमारे अनुमान है। दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है ये हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और जैकलिन फर्नांडिस के इस वर्ष आने वाले सभी फिल्मों में से सबसे बड़ी हिट कौन सी फिल्म रहेगी यह भी हमें बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अभिलाषा दुबे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल बॉलीगार्ड स्टूडियोज में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जब कभी भी हम आपके फेवरेट सितारे की फिल्मों के बारे में अपडेट लाए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला सलमान खान के साथ कभी ईद कभी दिवाली पर काम कर रहे हैं और इस बीच उन्होंने किक 2 के लिए भी आगे की ओर देखने के लिए संभावना बता दी है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए यह बात कंफर्म किया है कि वो किक 2 को भी बनाने की सोच रहे हैं और इस फिल्म में भी सलमान खान के साथ मुख्य भूमिका जैकलिन फर्नांडिस ही निभाने वाली है। वैसे फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर कितनी बड़ी हिट रही थी यह तो कहने की जरूरत ही नहीं है। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और सलमान खान को साथ में लोगों ने काफी पसंद किया था और उनकी एक्टिंग को भी काफी सराहा था और अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की कड़ी मेहनत के वजह से ही उन्हें दोबारा इस फिल्म में भी साइन कर लिया गया है और एक बार फिर अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और सलमान खान एक साथ किक 2 में नजर आने वाले हैं।
वैसे अगर आपको एक्शन फिल्म्स पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट की सोर्स होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म में काफी सारे एक्शन सीन्स को दिखाया जाएगा। एक्शन सीन्स के अलावा इस फिल्म में महंगी कारें, स्टाइलिश लोकेशंस और स्टाइलिश कैरेक्टर्स को भी बाखूबी दिखाया जाएगा। इस फिल्म में जैकलीन और सलमान खान की लव स्टोरी को भी आगे बढ़ाया जाने वाला है, और एक बार फिर इस फिल्म में सलमान खान मास्क के पीछे ही नजर आएंगे। वैसे सलमान खान के फैंस इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और जैसे ही साजिद नाडियावाला ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट की है, वैसे ही सलमान खान के फैंस लगातार कमेंट करने लगे और इस फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज करने की मांग करने लगे। फिल्म के लिए सलमान खान के फैंस के एक्साइटमेंट को देखकर ऐसा लगता है कि ये फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है? यह हमें मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे, पर दाग सिर्फ एक, पता नहीं कौन है, कहाँ है, सिर्फ उसका नाम पता है। Devil. में स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल बॉलीगार्ड स्टूडियोज में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब कभी भी हम आपके फेवरेट सितारे की फिल्मों के बारे में अपडेट लाए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि डायरेक्टर साजिद नाडियावाला सलमान खान के साथ कभी ईद कभी दिवाली पर काम कर रहे हैं, और इस बीच उन्होंने किक 2 के लिए भी आगे की ओर देखने के लिए संभावना बता दी है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए यह बात कंफर्म किया है कि वो किक 2 को भी बनाने की सोच रहे हैं, और इस फिल्म में भी सलमान खान के साथ मुख्य भूमिका जैकलीन फर्नांडिस ही निभाने वाली है। वैसे फिल्म किक बॉक्स ऑफिस पर कितनी बड़ी हिट रही थी यह तो कहने की जरूरत ही नहीं है। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और सलमान खान को साथ में लोगों ने काफी पसंद किया था और उनकी एक्टिंग को भी काफी सराहा था, और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की कड़ी मेहनत के वजह से ही उन्हें दोबारा इस फिल्म में भी साइन कर लिया गया है, और एक बार फिर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और सलमान खान एक साथ किक 2 में नजर आने वाले हैं। वैसे अगर आपको एक्शन फिल्म्स पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट की सोर्स होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म में काफी सारे एक्शन सीन्स को दिखाया जाएगा। एक्शन सीन्स के अलावा इस फिल्म में महंगी कारें, स्टाइलिश लोकेशंस और स्टाइलिश कैरेक्टर्स को भी बाखूबी दिखाया जाएगा। इस फिल्म में जैकलीन और सलमान खान की लव स्टोरी को भी आगे बढ़ाया जाने वाला है, और एक बार फिर इस फिल्म में सलमान खान मास्क के पीछे ही नजर आएंगे। वैसे सलमान खान के फैंस इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और जैसे ही साजिद नाडियावाला ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट की है, वैसे ही सलमान खान के फैंस लगातार कमेंट करने लगे और इस फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज करने की मांग करने लगे। फिल्म के लिए सलमान खान के फैंस के एक्साइटमेंट को देखकर ऐसा लगता है कि ये फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है ये हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे, पर दाग सिर्फ एक, पता नहीं कौन है, कहां है, सिर्फ उसका नाम पता है। डेविल। दोस्तों, बॉलीवुड के भाई यानी कि सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस की जोड़ी हमेशा सुपरहिट रहती है, और हमेशा उन दोनों को साथ में कई रियलिटी शोज में देखा जा चुका है। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस सलमान के साथ काफी फैमिलियर भी हैं। दोस्तों, मैं हूं आपके होस्ट अभिलाषा दुबे, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस सलमान खान और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की नई मूवी किक 2 के बारे में। जी हां दोस्तों, किक 2 में भी जैकलीन फर्नांडिस ही मुख्य भूमिका को निभाने वाली है। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली किक मूवी की दूसरी सीक्वल भी लॉन्च होने वाली है, और इस फिल्म में सलमान खान ही मुख्य किरदार को निभाने वाले हैं, और एक बार फिर जैकलीन फर्नांडिस ही उनके साथ मुख्य भूमिका को निभाने वाली है। दोस्तों, सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस की फिल्म किक को लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया था, और उन दोनों की जोड़ी को भी लोगों ने काफी सराहा था। शायद इन्हीं खूबियों की वजह से ही सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस एक बार फिर आप सभी के बीच हाजिर होने वाले हैं किक 2 में भी। अब देखना यह है कि यह फिल्म किक 1 के जितना ही हिट होती है या रह जाती है कमर्शियल हिट फिल्म बनकर। वैसे इस फिल्म में बेहतरीन लोकेशन, स्टाइलिश कैरेक्टर और कई तरह के नए चीजों को भी दिखाया जाएगा। वैसे एक्शन फिल्म लवर्स के लिए यह फिल्म एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली
जारी है क्योंकि इस फिल्म में कई सारे एक्शन सीन्स को जरूर दिखाया जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सलमान खान जब मास्क के अंदर किक वन में रोल निभा रहे थे तो लोगों द्वारा उसे काफी पसंद किया जा रहा था। और आपको बता दें कि इस फिल्म में भी सलमान खान मास्क के अंदर ही नजर आने वाले हैं। दोस्तों, अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और सलमान खान की यह फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए, यही हमारी कामना है। और इस बारे में आपका क्या कहना है यह हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं हाजिर होंगी एक नए वीडियो पर चर्चा को लेकर। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो आपके पसंदीदा स्टार्स का बारे में अपडेट डालें तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए। कब शुरू हुई थी अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की फिल्म जगत की सफर और क्या हो सकती है ब्लॉकबस्टर फिल्म की सेकंड सीक्वल भी लॉन्च? अगर हाँ तो कौन से डायरेक्टर लॉन्च करने वाले हैं इस फिल्म को? और आखिर क्या नाम रखा जा सकता है फिल्म किक की दूसरे सीक्वल का? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जब कभी भी हम आपके फेवरेट सितारों के फिल्मों के बारे में अपडेट्स लाए तो आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाषा दुबे और आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड स्टूडियोज में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि डायरेक्टर साजिद नाडियावाला, जिन्होंने कई हिट फिल्में जैसे कि सुपर 30, कलंक, 83 और हाउसफुल 4 जैसे फिल्में किए हैं, वे अभी सलमान खान के साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है कभी ईद कभी दिवाली। और दोस्तों, इस फिल्म के नाम को सुनते ही ऐसा लग रहा है जैसे ये फिल्म एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा ही धमाल मचाने वाली है। और दोस्तों, आपको बता दें कि साजिद नाडियावाला किक 2 के लिए भी आगे की ओर देख रहे हैं और उन्होंने यह बात की पुष्टि अपने ट्वीट के जरिए दिया है। उन्होंने इस फिल्म को दिसंबर 2021 में रिलीज करने की सोची है और इस फिल्म में सलमान खान ही मुख्य भूमिका को निभाने वाले हैं। और इस फिल्म में सलमान खान के साथ जैकलिन फर्नांडिस मुख्य भूमिका को निभाती नजर आएंगी। दोस्तों, यह फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें की बेहतरीन लोकेशन, महंगी कारें और स्टाइलिश कैरेक्टर को बखूबी दिखाया जाएगा। और इस फिल्म में सलमान खान देवीलाल सिंह के कैरेक्टर को ही निभाने वाले हैं और एक बार फिर सलमान खान मास्क के अंदर ही नजर आएंगे, या यूं कहें तो देवीलाल सिंह के कैरेक्टर को ही आगे बढ़ाया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप जैकलिन फर्नांडिस के बहुत बड़े फैन हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है क्योंकि हमारे आज के वीडियो में हम आपको अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के बॉलीवुड में डेब्यू के साथ उनके करियर के उतार चढ़ाव के भी बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस का जन्म 11 अगस्त 1985 में हुआ था और वह एक श्रीलंकाई अभिनेत्री है जो कि कुछ समय के लिए रिपोर्टर का भी काम कर चुकी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस ने टीवी रिपोर्टिंग करने के बाद अपना करियर मॉडलिंग में शुरू किया था और 2006 में उन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब भी जीता था। और उसके बाद आपको बता दें कि जैकलिन फर्नांडिस ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू 2009 में अलादीन मूवी के साथ शुरू किया था, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर को स्थापित किया था। फर्नांडिस के मनोवैज्ञानिक एक्शन थ्रिलर फिल्म मर्डर 2 के साथ ही उनके करियर को एक व्यावसायिक सफलता मिल पाई थी। इसके बाद उन्होंने 2012 में कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 2 में और 2013 में रेस 3 में ग्लैमरस किरदार को निभाया था जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक किरदार का आईफा अवार्ड भी दिलवाया था। दोस्तों, 2016 में हाउसफुल 3 और 2017 में जुड़वा 2 ने भी उनके करियर को काफी नाम दिया था और उनके इन्हीं मेहनत और लगन के कारण ही किक 2 में उन्हें लीड एक्ट्रेस के रूप में चुन लिया गया है। और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस किक 1 की तरह लोगों के दिलों को जीत लेंगे। वैसे इस फिल्म से आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है यह बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में। दोस्तों, डायरेक्टर साजिद भाई नाडियाडवाला सलमान खान के साथ कभी ईद कभी दिवाली पर काम कर रहे हैं और आपको बता दें कि वह किक 2 के लिए भी आगे की ओर देख रहे हैं। दोस्तों, सलमान खान की फिल्म किक 2 दिसंबर 2021 को रिलीज होने को है और इस बात की पुष्टि डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला ने अपने ट्वीट के जरिए दिया है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साजिद भाई नाडियाडवाला एक बहुत ही बड़े, एक बहुत ही पॉपुलर डायरेक्टर है। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों को डायरेक्ट किया है। आपको बता दें कि साजिद भाई नाडियाडवाला ने ही बागी 3, हाउसफुल 4, छिछोरे, कलंक जैसे कई हिट फिल्मों को डायरेक्ट किया है। फिलहाल वे सलमान खान के साथ कभी ईद कभी दिवाली पर काम कर रहे हैं और वो किक 2 के लिए भी आगे की ओर देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साजिद नाडियाडवाला के सारे फिल्म इंटरेस्टिंग ही रहते हैं और उनके आधे से अधिक फिल्म हिट फिल्म ही रहते हैं और इनके इन्हीं बेहतरीन प्रदर्शन के कारण ही उनके फिल्मों से लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जा रही है। वैसे कास्टिंग की बात करें तो इस फिल्म में भी सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस ही नजर आने वाली है। वैसे इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर काफी रूमर्स भी स्प्रेड किए गए थे कि इस फिल्म में राकुल प्रीत मुख्य भूमिका को निभाने वाली है, परंतु इन सभी रूमर्स पर साजिद भाई नाडियाडवाला ने अपने ट्वीट के जरिए रोशनी डालते हुए यह बात को क्लियर किया है कि इस फिल्म में भी सलमान खान के साथ जैकलिन फर्नांडिस ही नजर आएंगी। वैसे इस फिल्म में एक बार फिर सलमान खान देवीलाल सिंह के ही कैरेक्टर को निभाएंगे, या यूं कहें तो देवीलाल सिंह के कैरेक्टर को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। वैसे एक्शन फिल्म लवर के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इस फिल्म में काफी सारे एक्शन सीन्स देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि ये फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है जिसे आप सभी भी अपने परिवार वालों के साथ दिसंबर 2021 से सभी सिनेमाघरों में देख सकेंगे। दोस्तों, फिल्म किक ने बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी प्रदर्शन दी है। अब देखना यह है कि किक 2 भी उतनी ही धमाल मचाती है या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। सलमान खान किक 2 की शूटिंग कब शुरू करेंगे, कब रिलीज होगी किक 2 और क्या ये किक का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी, किक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। किक के बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद अब किक 2 का इंतजार है, लेकिन सलमान खान है कि बड़ा टाइम लगा रहे हैं किक 2 बनाने में और अब कुछ कंफर्मेशन आई है किक 2 के लिए, तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा अगर आपको किक बहुत ज्यादा पसंद थी। दोस्तों, किक जो फिल्म थी उसमें आपको जैकलिन फर्नांडिस नजर आई थी और रणदीप हुड्डा नजर आए थे और किक 2 में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि सलमान खान देवी लाल वाला ही किरदार करने वाले हैं और जैकलिन बनने वाली है डॉक्टर स्टाइना। लेकिन रणदीप हुड्डा इस फिल्म में होंगे या नहीं इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। वहीं ये भी कहा गया है कि इसमें जैकलिन के अलावा एक और एक्ट्रेस इस फिल्म में नजर आ सकती है, वो एक्ट्रेस कौन है ये भी नहीं पता है। वहीं आपको बता दें इस फिल्म की शूटिंग 2022 में शुरू होगी और क्रिसमस 2022 में इसे रिलीज किया जाएगा क्योंकि क्रिसमस से पहले ईद में सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली रिलीज होनी है और ठीक इस फिल्म के बाद वो जुड़ जाएंगे किक 2 की तैयारियों में और इसके लिए वो अपने बॉडी में फिर से वर्कआउट करेंगे। फिलहाल तो जो उनकी बॉडी हो रखी है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। उनका जो हाल ही में पिक्चर इंस्टाग्राम पर रिलीज किया गया था उसने धमाल मचा दिया और 24 घंटे के अंदर अंदर उसे 2.1 मिलियन लाइक्स भी मिल चुके थे जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। किक 2 में अलग तरह का एक्शन देखने को मिलेगा, आपको एक्शन सीक्वेंस भी बेहतरीन होने वाले हैं और इसके अलावा जो साजिद नाडियाडवाला है फिल्म के प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट मैं दिलो जान से लिख रहा हूँ, यानी कि बहुत अच्छे से वो फिल्म पर काम करना चाहते हैं, इसीलिए ज्यादा टाइम दिया जा रहा है किक 2 को।
फिल्म केक के गाने से लेकर फिल्म का एक्शन और स्टोरी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, इसीलिए बहुत ज्यादा बज है केक टू को लेकर। केक की बात करें तो इसने 435 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया था और सलमान खान की बेहतरीन फिल्मों में केक शुमार हो चुकी थी, इसीलिए केक टू का इंतजार है। तो आपको क्या लगता है केक टू कितने करोड़ का कलेक्शन कर लेगी, क्या वो पिछले केक का रिकॉर्ड तोड़ देगी? नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा केक टू का कितना इंतजार है, सलमान खान की फिल्मों का कितना इंतजार रहता है, कैसे लगते हैं सलमान खान आपको ये भी बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए, बॉलीवुड से जुड़ी वहीं टॉलीवुड हॉलीवुड खबरों के लिए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए, वेब सीरीज के रिव्यूज के लिए और सभी फिल्मों के रिव्यूज और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब। फर्नांडिस की 5 सबसे बड़ी फिल्में कौन सी रिलीज होने वाली हैं 2021 में और क्यों जैकलिन फर्नांडिस के लिए 2021 का साल सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला है। स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में, मेरा नाम है निदा। आज मैं बात करने वाली हूँ बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिसका नाम है जैकलिन फर्नांडिस। इनका जितना डिफिकल्ट नाम है उससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट है इनका डेली रूटीन। मैं आपको बता दूं कि ये 5 बजे उठती हैं और लगातार ही वर्क करती रहती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, योगा करती हैं और फिर उसके बाद शूटिंग और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर वर्क करती हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस साल 2021 के साल में जैकलिन फर्नांडिस ने अपनी शुरुआत बहुत ज़्यादा बिजी नोट पर करी है और जब मैं कह रही हूँ बिजी नोट तो समझ लीजिए कि जैकलिन फर्नांडिस की 5 बड़ी फिल्में इस साल रिलीज होने वाली हैं और वो किस तरीके से मैनेज करेंगी ये तो वही जानेंगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी 5 फिल्में हैं जिसमें जैकलिन फर्नांडिस नजर आने वाली हैं और इस बार उनको चिट्टियां कलाइयां हुआ नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जैकलिन फर्नांडिस की सबसे पहली फिल्म अटैक के बारे में। क्या है अटैक, कौन कौन इसमें दिखने वाला है? तो सबसे पहले बता देती हूँ आपको कि इस फिल्म में जॉन अब्राहम दिखने वाले हैं मेन लीड के किरदार में और इस फिल्म में राकुल प्रीत भी नजर आने वाली हैं जिसके साथ नजर आएंगी जैकलिन फर्नांडिस। जैसे कि आपको पता है कि दिशुम में जैकलिन फर्नांडिस जॉन अब्राहम के साथ काम कर चुकी हैं और एक बार फिर से वो काम करने जा रही हैं इस फिल्म में। और ये फिल्म एक एक्शन पैक्ड फिल्म होगी जिसमें जॉन अब्राहम रहते हैं, या तो वो फिल्म देशभक्ति की होती है या तो फिर वो एक्शन फिल्म होती है, इसके बीच में कुछ भी नहीं होता है। और इसी के साथ ये फिल्म भी एक्शन पैक्ड फिल्म होने वाली है और ये फिल्म इसी साल 13 अगस्त 2021 को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में बहुत सारी देशभक्ति, एक्शन पैक सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 2nd स्पॉट पर फिल्म है किक 2। आपको बता दूं कि सलमान खान के साथ जैकलिन फर्नांडिस ने फर्स्ट पार्ट किया था, अब वो तैयार हैं सेकंड पार्ट के लिए और इस पार्ट में भी ऐसी खबरें उड़ रही हैं कि किक 2 में भी राकुल प्रीत नजर आने वाली हैं। तो जैकलिन फर्नांडिस और राकुल प्रीत का ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज्यादा फिल्मों में दिख रहा है, देखना है कि ये फिल्म में कितना लकी साबित होता है। आपको बता दूं कि किक 2 की शूटिंग इसी साल शुरू होने वाली है तो राकुल प्रीत और जैकलिन फर्नांडिस के साथ साथ सलमान खान नजर आने वाले हैं तो ये फिल्म में काफी मजा आने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 3rd की कि पहली बार जैकलिन फर्नांडिस कोलैब कर रही हैं रोहित शेट्टी के साथ। इस फिल्म में दिखाई देंगे रणवीर सिंह जिनके साथ उनका भी फर्स्ट कोलैबोरेशन है और ये फिल्म कॉमेडी फिल्म होने वाली है। तो इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस की कॉमेडी देखने के लिए काफ़ी बेताब हैं उनके फैंस। तो देखना है कि इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस कितने अच्छे से लोगों को हंसा पाती हैं। वैसे तो किक 2 में उन्होंने कॉमेडी करने की कोशिश की थी लेकिन वो फिल्म थोड़ी सी हॉरर कॉमेडी हो गई थी कि ना तो उसमें कॉमेडी समझ में आई ना उसमें हॉरर समझ में आया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने कहा जैकलिन फर्नांडिस के पास बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट है भूत पुलिस का जिसमें सैफ अली खान, अर्जुन कपूर और यामी गौतम नजर आने वाले हैं। उन्हीं के साथ जैकलिन फर्नांडिस भी इस फिल्म का बड़ा हिस्सा होने वाली है। आपको बता दूं कि ये भी फिल्म कॉमेडी होने वाली है तो ये साल कॉमेडी से भरपूर होने वाला क्योंकि 2020 काफी रुला चुका है। तो अब प्रोड्यूसर मेकर्स चाहते हैं कि थोड़ा सा दर्शक जो है ना वो हंसे तो ये फिल्म बहुत ही जल्द आएगी। इसके अलावा आगे चलते हैं एक और कॉमेडी फिल्म की तरफ जिसका नाम
नाम है बच्चन पांडे। इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस के साथ साथ कृति सेनन भी नजर आने वाली हैं और मेन लीड में दिखने वाले हैं अक्षय कुमार। वैसे तो अक्षय कुमार कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर से वो दिखने वाले हैं जैकलिन फर्नांडिस और कृति सेनन के साथ। वैसे अगर देखा जाए ज्यादातर फिल्मों में एक हीरो रहता है, दो हीरोइन रहती है। आपको क्या लगता है कि क्या बहुत ही जल्द एक हीरोइन और दो हीरो होने चाहिए जिससे थोड़ा सा जेंडर इक्वालिटी फिल्मों में भी आ जाए? आपको क्या लगता है बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी चलते हैं आगे कि इस फिल्म के अलावा जैकलिन फर्नांडिस के लिए 2022 में भी काफी प्रोजेक्ट हैं जो ज्यादातर डिपेंड करते हैं उनके 21 प्रोजेक्ट पर। तो अगर ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी तरीके से हिट साबित होती हैं और जैकलिन फर्नांडिस की परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से ली जाती है तो जैकलिन फर्नांडिस के लिए आने वाला साल काफी बिजी होने वाला है। आपको क्या लगता है कि जैकलिन फर्नांडिस में कितना टैलेंट है, पोटेंशियल है, उनको कितना मौका मिलना चाहिए? आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। फिलहाल जैकलिन फर्नांडिस ना सिर्फ अच्छी एक्टर बल्कि अच्छी डांसर और अच्छी मैनेजर भी हैं। वो अपना काम काफी अच्छे से मैनेज करती हैं, जो बता रहा है कि वो इतनी सारी फिल्में एक साथ इस साल कंप्लीट करने वाली है। देखना है कि क्या होगा। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्मी रिव्यू रीडिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को, जहां पर हम आपको हर फिल्मी खबर दे। मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे पर दाग सिर्फ एक। पता नहीं कौन है, कहां है, सिर्फ उसका नाम पता है, डेविल। आखिर क्या थी वो बात कि मुकर गए सलमान खान अपनी बात से? और क्यों, क्या कर दिया गया है जैकलिन को किक टू से किक? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और श्रीलंका ब्यूटी जैकलिन फर्नांडिस की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हमेशा से ही धमाकेदार रही है। प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर ये है कि ये डैशिंग जोड़ी किक टू में वापसी कर रही है, जो उनकी 2014 की फिल्म की अगली कड़ी है। वार्डा नडियाडवाला ने जैकलिन के जन्मदिन पर साझा किए गए एक मधुर संदेश के साथ जैकलिन का स्वागत किया। उन्होंने लिखा, यहाँ आपका बर्थडे गिफ्ट है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने आधिकारिक रूप से घोषणा करते हुए कहा कि साजिद नडियाडवाला ने आज सुबह 4 बजे स्क्रिप्ट को लॉक कर दिया है और आपके लिए एक अद्भुत भूमिका लिखी है। हालांकि खबरें तब बनने लगी जब सलमान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि जैकलिन को किक के सीक्वल से किक कर दिया गया है। तो क्या हुआ था और क्या था सलमान खान ने कहा, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल सलमान खान ने पिछले साल एक पुरस्कार समारोह में मजाक में कहा था कि जैकलिन फर्नांडिस को किक टू से किक कर दिया गया है, तो अफवाहें बनने लगी। तब से दोनों के बीच रिश्तों में तनाव की खबरें भी आने लगी। ये भी अफवाह थी कि एमी जैक्सन किक की अगली किस्त के लिए जैकलिन को रिप्लेस कर सकती हैं। हालांकि साजिद नडियाडवाला ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि ये पहले ही तय कर लिया गया है कि अगली कड़ी में कौन सी हीरोइन होगी और वो स्क्रिप्ट को एक साल से लिख रहे हैं। किक टू फिल्म को इस साल के अंत में रिलीज करने की उम्मीद है, जब सलमान अपने सभी वर्तमान फिल्मों को समाप्त कर देंगे। साजिद ने कथित तौर पर पुष्टि की है कि किक टू क्रिसमस 2021 में रिलीज होगी। हालांकि किक टू में जैकलिन को कास्ट करने से ये अफवाहें आने लगी कि किक टू की कास्ट में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि किक की कास्ट में देवीलाल सिंह उर्फ डेविल के रूप में सलमान खान, डॉक्टर शाइना मेहरा के रूप में जैकलिन फर्नांडिस, ACP हिमांशु त्यागी के रूप में रणदीप हुड्डा, शिव गजरा के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रतनलाल सिंह यानी कि देवी के पिता के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, रति सिंह यानी कि देवी की माँ के रूप में अर्चना पूरन सिंह, अनिल शर्मा के रूप में करण आनंद, गृह मंत्री प्रताप शिंदे के रूप में विपिन शर्मा, जैकलिन के किरदार शाइना के पिता ब्रजेश मेहरा के रूप में सौरभ शुक्ला थे। फरवरी 2018 में साजिद नडियाडवाला द्वारा किक के सीक्वल की आधिकारिक घोषणा की गई, जिसे किक टू नाम दिया गया। नडियाडवाला और रजत अरोड़ा द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट को अगस्त 2020 में अंतिम रूप दिया गया था। हम तो इस फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं भाई, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए।
तो आखिर किस नए अवतार में दिखेंगे सलमान खान हमें किक टू में, और जैकलिन को क्यों जरूरत है किक टू के हिट होने की। दोस्तों नमस्ते सलाम, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ निष्का त्यागी। तो सलमान खान एक ऐसे इंसान है जिन्हें किक जरूर मिलेगी अगर फिल्म किक एक ब्लॉकबस्टर बन जाए तो। दबंग 3 के प्रदर्शन के बाद सलमान समझ गए होंगे कि लोग उनकी फिल्मों को सिर्फ इसलिए देखने के लिए सिनेमाघरों में नहीं जाएं, क्योंकि वो उनमें एक्ट करते हैं और उन्हें अच्छी फिल्में बनानी पड़ेंगी, वरना उनका स्टारडम भी काफी फीका पड़ सकता है। अब सलमान की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और भाई की ज्यादातर उनकी इस भीड़ को खींचने का काम करती है। उनके फैंस ने अतीत में ये सुनिश्चित किया है कि सलमान की फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता मिले। हालांकि सलमान को दबंग 3 के लिए वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर हल्के फुल्के प्रदर्शन से सलमान ने सबको हैरान कर दिया था। हालांकि किक 2 के लिए लोगों का उत्साह देख के उम्मीद है कि सलमान खान की किक 2 एक बहुत बड़ी सफलता होगी। तो आखिर कौन होगी सलमान खान के ऑपोजिट किक 2 की हीरोइन? जैकी। जी हाँ दोस्तों, जैकलिन फर्नांडिस जो कि एक पूर्व ब्यूटी क्वीन है, बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं, लेकिन श्रीलंकाई सुंदरी जैकलिन फर्नांडिस बॉलीवुड फिल्मों में अपने करियर के साथ सही कार्ड पर प्रहार करने में कभी कामयाब नहीं रही हैं। वो आज की एक टॉप की अभिनेत्री नहीं बन पाई हैं और दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा और यहाँ तक कि आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर जैसे नए कलाकारों से कड़ी कंपटीशन का सामना करती हैं। अब भले ही जैकलिन रेस 3 का हिस्सा थी और 300 करोड़ रुपए के क्लब में उन्होंने प्रवेश किया, लेकिन वो फिल्म में लीड रोल में नहीं थी। एक तरफ जहां कैटरीना कैफ का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, जैकलिन इस रेस में थोड़ी अभी पीछे चल रही हैं। अगर किक 2 भी किक जैसी हिट हो जाती है तो जैकलिन का करियर निश्चित रूप से उफान पर होगा। अब फिल्म किक 2 में सलमान खान के ग्रे शेड्स हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सलमान फिल्म में विलन का किरदार निभाएं। अब भले ही सलमान खान बड़े बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर हीरो हैं, लेकिन एक नेगेटिव किरदार निभाना फिल्म के लिए काफी बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। एक नेगेटिव आदमी के किरदार का ये भी मतलब है कि आप जो भी करना चाहते हैं वो बड़े पर्दे पर कर सकते हैं। सबसे अच्छा डायलॉग से लेकर सबसे खतरनाक एक्शन सीक्वेंस तक एक विलन के लिए एक नए मौके होते हैं बड़े पर्दे पर दिखने के लिए। अगर किक 2 हिट हो जाती है तो सलमान की एक्टिंग के लिए एक नया ऑप्शन खुल जाएगा। हम तो सलमान खान को इस नए अवतार में देखने के लिए काफी उत्साह। मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे पर दाग सिर्फ एक। पता नहीं कौन है, कहां है, सिर्फ उसका नाम पता है, डेविल। क्या किक 2 में दिखेगा सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस और दिशा पटनी का लव ट्रायंगल, और क्या एमी जैक्सन करेंगी जैकलिन को रिप्लेस? दोस्तों नमस्ते सलाम, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ निष्का त्यागी। तो आज हम बात करेंगे हमारी अपकमिंग मूवी किक 2 के बारे में। तो दिशा पटनी, जिसने बागी 2 में टाइगर श्रॉफ के साथ देखा गया था, साजिद नाडियाडवाला की फिल्म किक 2 में शामिल हो सकती हैं। जैकलिन फर्नांडिस ने 2014 की फिल्म में महिला प्रधान भूमिका निभाई, जिसने नाडियाडवाला के निर्देशन में भी काम किया, जबकि निर्देशक निर्माता ने इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि दिशा इस फिल्म में जरूर दिख सकती हैं। अली अब्बास जफर की भारत में दिशा ने युवा सलमान की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और गाना स्लो मोशन बहुत बड़ा हिट रहा था। अब सलमान के बारे में दिशा ने कहा था कि वो एक स्टार है, उनके चारों ओर ये आभा है, लेकिन वो बहुत प्यारी है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं अभी भी उनके साथ काम करने से भयभीत हूँ। भारत के दौरान मैं ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी भयभीत था। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि साजिद ने जैकलिन को फिल्म की हीरोइन के रोल दे दिए हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या होगा इस दिशा का फिल्म में रोल? सुनने में आया है कि किक की मूल जोड़ी सलमान और जैकलिन फर्नांडिस सीक्वल में भी शामिल होगी। सलमान और जैकलिन ने इस सौदे पर साइन करने के लिए मुंबई में अपने कार्यालय में किक निर्देशक साजिद नाडियाडवाला से भी मुलाकात की थी। अब सलमान खान की किक 2 फिल्म की अभिनेत्री के बारे में अटकलों का दौर जारी है। दोस्तों ब्लॉकबस्टर फिल्म की अगली कड़ी में सलमान के साथ एक और अभिनेत्री की भूमिका के लिए कई अभिनेत्राओं के नाम सामने आए हैं। अब कहा जा रहा है कि किक की ओरिजिनल जोड़ी को हटाया नहीं गया है। साजिद नाडियाडवाला ने एक प्रोडक्शन हाउस में एक अखबार को बताया कि जैकलिन को हटाया नहीं गया है, लेकिन बाकी की अटकलों को साफ करते हुए कि किक 2 में जैकलिन कृतिया एमी के लिए रास्ता बना रही है। अब ब्लॉकबस्टर हिट किक में सलमान के साथ दिखने के बाद जैकलिन का बॉलीवुड ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ गया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए कमाई की थी। सलमान
जैकलीन की जोड़ी को भी फैंस ने बहुत पसंद किया था। अब एक इंटरव्यू में जैकलीन ने कहा था कि मैं अपने करियर को किक से पहले और उसके बाद में देखकर सोचती हूँ। किक से पहले मैं घर पर बैठी रहती थी और असलियत में कुछ भी नहीं कर रही थी। किक के बाद मुझे बहुत सारे ऑफर्स आने लगे थे। अब किक टू की स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो ये पता चलता है कि किक का सीक्वल एक ताजा स्क्रिप्ट होगी जो ओरिजिनल फिल्म के विपरीत है, जो 2009 में इसी नाम की तेलुगु फिल्म की रीमेक है। अब निर्देशक साजिद ने पुष्टि की थी कि वो पटकथा पर काम कर रहे हैं और जल्द ही सब कुछ फाइनलाइज करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या होगी किक टू की स्क्रिप्ट? दोस्तों आप हमें अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलेगा। तो चलिए लेते हैं अब आपसे विदा। तो दोस्तों हमारी आज की राइटर है सान्या भार्गव। किसका रियूनियन दिखेगा हमें किक के सीक्वल में? क्या दिखेगी सल्लू भाई के साथ सलमान खान के साथ किक टू में लव ट्रायंगल? बॉलीवुड में रियूनियन हमेशा खास और हटकर होते हैं, और खासकर अगर ये रियूनियन हमारे पसंदीदा सेलेब्स का हो तो फिल्म में एक मज़ा ही आ जाए। अतीत में हमने किक में सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस, चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख और दीपिका पादुकोण, और हैप्पी न्यू ईयर में आमिर और करीना कपूर की जोड़ी को हिट स्क्रीन पर देखना पसंद किया। अब लगता है 2021 में कुछ ऐसी ही कुछ कमाल जोड़ियां सामने आने वाली हैं। साजिद नाजरवाला की किक में सलमान और जैकलीन फर्नांडिस अपनी प्यारी और मजाकिया हरकतों को दिखाने के बाद किक टू के लिए कमर कस रहे हैं। ये जोड़ी रेसरी का हिस्सा रह चुकी है और जैकलीन ने सलमान के फार्म हाउस पर लॉकडाउन के दौरान एक म्यूजिक वीडियो के लिए भी शूटिंग की थी। हर बार जब वह ऑन स्क्रीन दिखाई देते हैं तो वह अपने दर्शकों में अपनी अद्भुत केमिस्ट्री से सबको प्रभावित कर लेते हैं। लेकिन आपको याद दिला दे कि कुछ समय पहले ये अफवाहें आ रही थी कि कैसे सलमान खान और दीपिका पादुकोण आखिरकार किक टू में साथ आएंगे या नहीं। निर्माता साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस में चल रही अफवाहें जोर देखकर लोग कहते हैं कि किक टू में दीपिका फाइनल हो चुकी थी। अगर आपको याद है तो किक के लिए दीपिका पहली पसंद थी, लेकिन किसी वजह से ये नहीं हो पाया। जैकलीन को लाया गया और किक ने उनके करियर को बदल दिया। अब सवाल उठता है, क्या किक टू में हमें सलमान खान के लव ट्रायंगल में नजर आने वाले हैं? क्या किक टू में सलमान खान एक से ज़्यादा हीरोइनों के साथ रोमांस करेंगे? किक टू का 2021 में एक साल के अंत में रिलीज किया जाएगा। सीक्वल से पहले सलमान और नाडियाडवाला कभी भी ईद कभी दिवाली के लिए स्क्रीन पर आएंगे, जो कि दिवाली 2021 के आसपास रिलीज होगी। साजिद किक टू के लिए पिछले साल से स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और प्रशंसक ये जानने के लिए उत्सुक थे कि महिला लीड कौन है। तो क्या लगता है आपको, क्या किक टू में दिख सकती है रकुलप्रीत सिंह सलमान खान के साथ? क्या ये नई जोड़ी कर पाएगी बड़े पर्दे पर कोई जादू? आप बॉलीवुड की ऐसी ही कुछ खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें पॉलीग्राड स्टूडियोज को, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये कहानी लिखी है सान्या भार्गव ने। मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे पर दाग सिर्फ एक। पता नहीं कौन है, कहां है, सिर्फ उसका नाम पता है, डेविल।
सकता है हमें सलमान का सलमान से ही फेस ऑफ। किसका आइडिया था किक दो में डबल रोल का? किक एक 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित और निर्देशन किया गया था। इसमें सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस, रणदीप हुड्डा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अभिनय किया था। किक 2009 की तेलुगु फिल्म का आधिकारिक रीमेक है जिसे टाइटल के साथ रिलीज किया गया था और ये फिल्म 90 करोड़ के कथित बजट पर यूटीवी मोशन पिक्चर्स के सहयोग से नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी गई थी। फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने आखिरकार सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस स्टार कास्ट की स्क्रिप्ट को लॉक कर दिया है। उनकी जो लॉस्ट घोषणा में जो हुई है खुलासा किया कि फिल्म में सलमान के किरदार जिसका नाम देविल था या फिर देवीलाल सिंह है की कहानी को जैकलिन फर्नांडिस के किरदार के आगे बढ़ाया जाएगा। किक दो की कहानी एक बहुत हैरान करने वाली भूमिका है जो इसे अलग बनाती है। इसमें जो ग्रे शेड्स भी हैं वो फिल्म में सलमान के किरदार को वीरता और हास्य के साथ मिलाती हुई दिखाती है। साजिद फिल्म को हर सूरत में पहली फिल्म से बेहतर बनाता है। उनके पास किक फ्रेंचाइजी के लिए बहुत बड़ी और कमाल की योजना है। उन्होंने 2021 में फिल्म को रिलीज करने की योजना बनाई। इससे पहले के इंटरव्यू में साजिद ने कहा था कि मैं सलमान के पास गया था और मैंने उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कितने तैयार हैं फिल्म शुरू करने के लिए। मैंने कहा मैंने एक ड्राफ्ट लिखा है और मुझे स्क्रिप्ट को तैयार करने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने की आवश्यकता है, इसलिए मैं स्क्रिप्ट के साथ जल्द ही तैयार हो जाऊंगा। तो क्या लगता है आपको क्या होगा सलमान खान का किक 2 में किरदार? दरअसल हाल ही में सलमान खान ने घोषणा की है कि वह साजिद नाडियाडवाला की निर्देशन फिल्म किक 2 में दोहरी भूमिका निभाएंगे। सलमान खान ने पहले कहा था कि फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम जारी है। फिल्म में सलमान की दोहरी भूमिका होगी। जब वह स्क्रिप्ट और स्टोरी के साथ किया जाएगा तो हम इस फिल्म को रिलीज करेंगे। अब ये सुनने में आया है कि सलमान फिल्म में नायक और खलनायक दोनों की भूमिका में नजर आएंगे। लेकिन क्या क्या आप जानते हैं कि फिल्म की भूमिका जो है मुख्य कहानी का आइडिया सलमान का था और साजिद ने कहानी पर काम किया है। किसी को भी किक 2 की जो स्टीक कहानी के बारे में पता नहीं है, लेकिन यह बात जरूर है कि वह भावनात्मक कहानी होने वाली है। सलमान ने स्टोरी आइडिया किक किया था, तो क्या लगता है आपको क्या किक 2 की कहानी होगी किक फिल्म की जैसी? किक 2, क्या साजिद नाडियाडवाला की जगह रोहित शेट्टी करेंगे किक के सीक्वल को डायरेक्ट? कब होगी किक 2 की शूटिंग की शुरुआत? साल 2021 सभी बॉलीवुड कलाकारों के लिए काफी व्यस्त साल रहने वाला है। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस भी बैक टू बैक फिल्मों की शूटिंग करने वाली हैं। हाल ही में अपने आने वाले फिल्मों को लेकर एक्सपर्ट्स ने उत्साह जताया है। साथ ही उन्होंने कंफर्म किया है कि 2021 के मध्य से सलमान खान के साथ उनकी फिल्म किक 2 की शूटिंग भी शुरू हो सकती है। अभिनेत्री ने कहा, मैं सलमान के किक 2 में 2 काम करने वाली हूं और मैं उसके लिए बहुत उत्साहित हूं। किक ने मेरे करियर की दिशा ही बदल दी थी, ये मेरे लिए खास है। किक 2 की स्क्रिप्ट तैयार है और शायद हम 2021 मध्य तक शूटिंग शुरू करेंगे। मीडिया से बात करते हुए साजिद नाडियाडवाला ने बताया कि उन्होंने भी स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया है और ये फिल्म जो पहली ईद 2020 पर रिलीज होने वाली थी अब दिसंबर पर रिलीज होगी। उन्होंने बिना नाम लिए कहा, मैं उनके घर गया था और उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी फिल्म स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा। मैंने बताया कि स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया है, पूरी स्क्रिप्ट लिखने में कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे, तब जाकर फिल्म इस साल दिसंबर में रिलीज़ हो पाएगी। फिल्म की घोषणा तब की गई जब वरदा नाडियाडवाला ने जैकलिन के लिए पोस्ट डालते हुए अपने ट्वीट में लिखा, ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट जो हमेशा याद रहेगा। ये ऐलान करते हुए बेहद खुशी है कि साजिद नाडियाडवाला ने किक 2 की स्क्रिप्ट फाइनल कर ली है और तुम्हारे लिए बेहद शानदार रोल भी लिखा गया है। सलमान खान की किक 2 बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है, वेलकम बैक। पहले सुनने में ये भी आया था कि किक 2 की स्क्रिप्ट पर लगातार 1 साल तक काम करने के बाद साजिद नाडियाडवाला ने अंतिम रूप से फाइनल कर दिया है और इसे लगभग पूरा कर लिया गया है। फिल्म में सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस सिल्वर स्क्रीन के साथ वापस आएंगे और निर्माता रोहित शेट्टी को फिल्म डायरेक्ट करने के लिए संपर्क किया गया है। 2014 में आई सलमान खान की फिल्म किक ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी धमाल मचाया था। फिल्म उस साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी, लिहाजा फिर इसे फ्रेंचाइजी में बदल दिया गया है।
बीच में खबर आई थी कि फिल्म को रोहित शेट्टी डायरेक्ट करने वाले हैं, लेकिन इस महज अफवाह बताया गया क्योंकि साजिद नाडियाडवाला ने ये कहा कि वो इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या हमें साजिद के डायरेक्शन में रोहित शेट्टी जैसे एक्शन देखने को मिलेगा? क्या किक टू में स्पेशल अपीयरेंस में दिख सकते हैं हमें कोई सितारे? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कहानी लिखी है सानिया भार्गव ने और इसे रिसाइट किया है। अरे भाई, क्या आप जानते हैं कि आखिर किस फिल्म के साथ होगा किक टू का बॉक्स ऑफिस पर क्लैश, और क्या कहना है किक के लेखक का किक के सीक्वल के बारे में? तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी अपकमिंग मूवी किक टू के बारे में। सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस की केमिस्ट्री सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस की दोस्ती बहुत गहरी और मस्ती से भरी हुई है। आपको बता दें कि जैकलिन फर्नांडिस इस साल की शुरुआत में देश भर में हुए लॉकडाउन के दौरान अपने पनवेल फार्म हाउस में सलमान के साथ रह रही थी। दोनों ने उस अवधि के दौरान एक संगीत वीडियो भी शूट किया जिसका शीर्षक तेरे बिना था। अभिनेत्री सलमान खान की दबंग रिलेटेड टूर का भी हिस्सा थी। दोनों जल्द ही किक टू में स्क्रीन स्पेस साझा करते नजर आएंगे। इस वर्ष अभिनेत्री के जन्मदिन पर इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। आपको बता दें कि सलमान खान की लगातार हर फिल्म जिसे दर्शक पसंद करते हैं और उसे निर्माताओं ने फ्रेंचाइज में बदल, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि किक फिल्म की भी एक सीक्वल किक टू जल्दी आने वाली है। ये प्रोजेक्ट कुछ समय के लिए चर्चा का पात्र। फिल्म के लेखक रजत अरोड़ा ने एक अखबार से बात की। द डर्टी पिक्चर, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्मों के लेखक रजत लॉक अवधि में कई स्क्रिप्ट लिखने के बारे में बात कर रहे थे और एक फिल्म जिस पर वे अहम काम कर रहे थे वो है किक टू। ये पूछे जाने पर कि क्या सीक्वल में किक की तरह एक लाइनर की भीड़ होगी, उन्होंने कहा किक में डेविल की खासियत सलमान सरन से मेल खाती थी और इस तरह उन पंक्तियों के बारे में पता चला। वास्तविक जीवन में कोई भी इस तरह की बात नहीं करता है, लेकिन आप इस विशाल स्टार के प्रशंसक आधार पर निराश नहीं करना चाहते हैं। आखिरकार ये ऐसा किरदार है जो बहुत मजेदार है। किक में सलमान ने बहुत सारी वन लाइन के डायलॉग्स बोले थे, जैसे मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं, और आप डेविल के पीछे, डेविल के आपके पीछे, टू मच फन, ऐसे डायलॉग्स ने सलमान के फैंस को पागल कर दिया था। आप हमें बता दीजिएगा जरा आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है। तो आपको बता दें कि सलमान खान जाहिर तौर पर ईद के हफ्ते को नहीं जाने देंगे, तब तक उनकी टाइगर 3 खत्म होने की उम्मीद है और अगर सब ठीक रहा तो किक 2 भी रिलीज के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए 29 अप्रैल को दो फिल्मों की रिलीज होने की उम्मीद है। ऐसा होने पर ये दो बड़ी फिल्मों का क्लैश होगा। टाइगर 3 और किक 2 दोनों जाहिर हैं एक बड़े पैमाने पर बन रही हैं। इस बीच मेडे बड़े पर्दे पर रिलीज होने की उम्मीद कर रही है। यहां तक कि अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और रकुलप्रीत सिंह सहित स्टार कास्ट रोमांचक है। दर्शकों को ईद 2022 पर एक साथ ही दोनों बड़ी फिल्मों के लिए रिलीज होने की उम्मीद है। हम भी किक 2 और मेडे के बॉक्स ऑफिस क्लैश देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है, और आप जरा हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारी आज की राइटर है सान्या भार्गव। सलमान खान किक 2 इज इन स्क्रिप्टिंग स्टेज एज सेड बाय द स्क्रिप्ट राइटर ऑफ द फिल्म किक रजत अरोड़ा। ही ऑल्सो सेड दैट लाइक द ओरिजिनल फिल्म किक हैड अ लॉट ऑफ वन लाइनर्स, द सीक्वल वोंट हैव द मेनी वन लाइनर्स। किक 2 विल रिलीज ऑन ई 2021 एंड मे हैव अ बॉक्स ऑफिस क्लैश विद अजय देवगन्स मेरे। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ कुछ ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बॉलीवुड से जुड़ी हुई। एक जितना कमजोर होगा दूसरे में उतनी ही ताकत होगी।
क्या सलमान खान की किक टू में दो दो किक लगने वाली है? क्या सलमान खान का इस फिल्म में डबल रोल होने वाला है? क्या इस फिल्म की शूटिंग बड़े सिटीज में बड़ी कंट्रीज में होने वाली है और कहां कहां शूटिंग हुई थी किक वन की? स्वागत है आपका बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। मेरा नाम है निदा। आज मैं बात करने वाली हूं 2014 में आई किक फिल्म की। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था साजिद नाडियाडवाला ने और आपको बता दूं कि इसमें फीचर हुए थे सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस। फिलहाल आपको बता दूं कि इस फिल्म की कहानी ऐसी थी कि जितने भी लोग थे ना 2014 में वो सब सो गए थे। ये फिल्म ऐसी फिल्म थी कि बस पैंडेमिक लगते लगते ही हट गया था। ये फिल्म इतनी ज्यादा बोरिंग थी। इस फिल्म में ना सिर्फ एक्शन सीक्वेंस बल्कि इस फिल्म का जो मैसेज था वो भी मुझे नहीं पता कि डायरेक्टर क्या देना चाहता था। इस फिल्म की कहानी ये थी कि जैकलिन फर्नांडिस एक साइकेट्रिस्ट होती हैं और इस फिल्म के जो हीरो होते हैं उनको कोई एम नहीं होता उनका लाइफ में और उनको जिस काम में किक मिल रही होती है, मजा मिल रहा होता है, बस वो वही करने लग जाते हैं। जिसकी वजह से जो उनके आस पास के लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं, जिसकी वजह से वो साइकेट्रिस्ट यानी कि जैकलिन फर्नांडिस की मदद लेते हैं। और आपको बता दूं कि फिर उन दोनों में लव स्टोरी दिखाई गई है और इसी में एंट्री होती है रणदीप हुड्डा की, जो ढूंढ रहा है डेविल यानी कि सलमान खान को। फिलहाल आपको बता दूं कि इस फिल्म में क्या मैसेज था, क्या प्लॉट था और क्या एंडिंग थी। लेकिन आपको ये बता दूं कि इस फिल्म की कहानी यही नहीं रुकती है, इस फिल्म का सीक्वल भी तैयार हो रहा है और इस फिल्म का सीक्वल लेकर आ रहे हैं बहुत ही जल्द साजिद नाडियाडवाला। और यहाँ तक कि इंटरव्यू में कहा है उन्होंने कि इस फिल्म की कहानी एकदम ऑलमोस्ट कंप्लीट है और इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर सही खबरों की बात माने तो इस साल एंड तक ये फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये फिल्म अगले साल ईद के मौके पर आने के लिए तैयार है। फिलहाल आपको बता दूं कि इस साल कभी ईद कभी दिवाली रिलीज होगी, उसके बाद ही ये फिल्म आने को तैयार है। इससे पहले ये फिल्म तैयार नहीं है और साजिद नाडियाडवाला ने कहा है कि ये फिल्म अभी आएगी भी नहीं। फिलहाल आपको बता दूं कि साजिद नाडियाडवाला इस तरह की फ्रेंचाइजी क्यों बना रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक तो टाइगर श्रॉफ के साथ वो फिल्म की वॉर हो गया हो, चाहे हीरोपंती हो गई हो, और बहुत सारी फ्रेंचाइजी हैं जो उन्होंने शुरू कर दी हैं लेकिन क्यों शुरू करी हैं उन्हें खुद नहीं पता। फिलहाल आपको बता दूं कि साजिद नाडियाडवाला को छोड़कर सलमान खान इस फिल्म में यानी कि सीक्वल में दो दो हीरोइन के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सलमान खान का इस फिल्म में दो रोल होने वाला है, डबल रोल होने वाला है, और अगर डबल रोल हुआ तो ये फिल्म किस तरीके से अलग ट्विस्ट टर्न लेगी, ये देखना जरूरी है। फिलहाल आपको बता दूं कि इस फिल्म में होने कौन कौन वाला है। सलमान खान फिर से डेविल के किरदार में नजर आएंगे और इस फिल्म में राकुल प्रीत की एंट्री होने वाली है। राकुल प्रीत जो कि बहुत सारी फिल्मों में दिखाई दे चुकी हैं और यारियां से बॉलीवुड डेब्यू कर चुकी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि राकुल प्रीत के साथ साथ इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस भी नजर आएंगी। यानी कि अगर जैकलिन और राकुल प्रीत दोनों ही साथ में नजर आने वाली हैं तो इस फिल्म में क्या लव ट्रायंगल दिखाने वाले हैं साजिद नाडियाडवाला या फिर सलमान खान का डबल रोल होने वाला है? आपको क्या लगता है बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि किक टू की क्या कहानी होने वाली है। क्या इसमें भी सलमान खान वही तरीके के किरदार निभाते हुए नजर आएंगे जो किक में उन्होंने किया था या फिर इस फिल्म में थोड़ा सा सेंसिबल प्लॉट आएगा? आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में आपकी अपनी राय। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्मी रिव्यू रेटिंग जाने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रेड स्टूडियोज को, जहां पर हम आपको हर फिल्मी खबर देते हैं। एक जितना कमजोर होगा दूसरे में उतनी ही ताकत होगी। बहुत प्यार करते थे उससे। मैं और नेहा कॉलेज में मिले थे, हम शादी करने वाले थे। क्या सलमान खान की किक थी तेलुगु किक से बेहतर? कैसे दिया सलमान खान ने रवि तेजा को टक्कर? क्या अलग है सलमान खान की किक और उसके तेलुगु वर्जन में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकुरी और स्वागत है आप सभी दर्शकों का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आप सब सलमान खान की किक के बारे में तो जानते ही होंगे और अगर आप नहीं जानते हैं तो ना जाने आप किस हैंगओवर में हैं। किक एक 2014 की एक्शन फिल्म है जिसे साजिद नाडियाडवाला ने निर्मित और निर्देशित किया है और इसमें सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस, रणदीप हुड्डा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अभिनय किया था। किक 2009 की तेलुगु फिल्म का आधिकारिक रीमेक है जिसका टाइटल भी किक ही था और इस तेलुगु फिल्म में साउथ के सुपरस्टार रवि तेजा थे। 25 जुलाई 2014 को ईद के मौके पर रिलीज हुई किक ने 402 करोड़ की कमाई की और ये दुनिया भर में एक ब्लॉकबस्टर सफलता बन गई और 200 करोड़ के क्लब में प्रवेश करने वाली सलमान खान की पहली फिल्म बनी।
किक की कास्ट और क्रू के साथ किक 2 नाम की सीक्वल जल्द ही शूटिंग फ्लोर्स पर उतरने वाली है और रिलीज होगी। ऐसे में किक और इसके हिंदी रीमेक के बीच कई समानताएं हैं, जैसे कि दोनों फिल्मों की मूल कहानी एक ही है, क्योंकि ये एक अजीब इंसान की कहानी कहती है जिसे जिंदगी में अजीब चीजें करने में किक मिलती है। सलमान और रवि तेजा लुटेरे बन जाते हैं और इसकी वजह होती है देश के हर बीमार बच्चे की मदद करना। दोनों हीरो का परिचय दृश्य समान है, क्योंकि फिल्म की हीरोइन अपने होने वाले पति को अपने पूर्व प्रेमी की कहानी ट्रेन में बताती है। जहां रवि तेजा तेलुगु फ्लिक में हिंदी में बात करते हैं, वहीं दबंग स्टार किक में तेलुगु लाइंस पहुंचाकर उनका एहसान वापस करते हैं। लेकिन फिल्म की कहानी में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जैसे कि तेलुगु फिल्म में हीरो और पुलिस वाले का नाम एक ही होता है, जो कि है कल्याण, लेकिन भाई की किक में ऐसा नहीं है। फिल्म में हीरो हीरोइन के प्यार में पड़ने का तरीका भी अलग है। दबंग खान की किक में हीरो हीरोइन का लगातार पीछा करता है, उसे अपने पागल हरकतों के साथ और एक अच्छे दिल के साथ प्रभावित करता है। तेलुगु फिल्म में इलियाना की बहन को रवि तेजा से प्यार हो जाता है, जो उसे बताता है कि वो इलियाना से प्यार करता है। दोनों फिल्मों में डकैती के तरीके भी छोटे से अंतर के साथ हैं, क्योंकि सलमान का किरदार डेविल मास्क पहने रहता है, लेकिन रवि तेजा हर डकैती के लिए अपना मास्क बदलता रहता है। इसके अलावा भाई केवल त्योहार के लिए और त्योहार के दिनों में भ्रष्टाचारी से पैसा लूटते हैं, जबकि तेलुगु फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे में अब क्या किक का सीक्वल तेलुगु फिल्म किक 2 का रिमेक होगा? क्या एक बार फिर से सलमान खान रवि तेजा को टक्कर देते हुए नजर आएंगे? ऐसे में अब क्या होगी किक 2 की कहानी, ये तो वक्त ही बताएगा। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है सानिया भार्गव ने। किक 2 में साजिद के लिए किसका साथ किक 2 की स्क्रिप्ट के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की आज के इस नई तड़कती भड़कती वीडियो में। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म निर्माता इस साल पुरानी हिट फिल्मों को लेकर आगे जाने वाले हैं और पुरानी कहानियों के सीक्वल को आगे ले जाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां जॉन अब्राहम और सलमान खान जैसे अभिनेता अपनी खुद की हिट फिल्मों के सीक्वल में लौटने वाले हैं, वहीं कई और अन्य फिल्मों के अलग भाग को भी हमें देखने का मौका मिल सकता है। अब जैसे ही साजिद नाडियावाला ने 11 अगस्त को जैकलिन फर्नांडिस के जन्मदिन पर आधिकारिक तौर पर किक 2 की घोषणा की, जैकलिन कुछ ही समय में उत्साह व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाई। वर्धा नाडियावाला ने खुलासा किया कि किक 2 की स्क्रिप्ट 11 अगस्त के दिन सुबह 4 बजे पूरी कर दी गई थी। अब फिल्म में सलमान खान और जैकलिन मुख्य भूमिकाओं में होंगे। वर्धा नाडियावाला की ट्वीट का जवाब देते हुए जैकलिन ने लिखा, किक के अगले भाग के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ और इसके सीक्वल के लिए मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। हाल ही में ये विशेष रूप से पता चला था कि फिल्म सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक रजत अरोड़ा द्वारा लिखी जा रही है, जो वंस अपॉन द टाइम इन मुंबई, डर्टी पिक्चर, किक और गब्बर इज बैक जैसे व्यवसायिक सफलता वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अब साजिद, जो कि फिल्म के लेखक और निर्देशक हैं, रजत के साथ एक जबरदस्त साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने पिछले कुछ समय में सलमान खान अभिनीत फिल्म किक के स्क्रिप्ट को लिखने के लिए काफी समय साथ बिताया है। अब जब साजिद ने किक फ्रेंचाइजी को आगे ले जाने का फैसला किया तो उनके पास स्पष्ट था कि इसे एक नए तरीके से इस फिल्म के सीक्वल को दिखाएंगे और इससे बाकी फ्रेंचाइजी से अलग अलग तरीके से बना रहे हैं। अब जिसमें सलमान खान है, वो आपको याद दिला दें कि किक में यार ना मिलेगा नाम का एक गाना था, जिसे खासकर फिल्म की थीम को ध्यान में रखते हुए एक कला गॉथिक रूप में दिया गया है।
ये पहली बार है जब सलमान खान ने इतना ज्यादा डांस किया था। नरगिस और सलमान की ताजा जोड़ी एक और कारण की गीत पहले से ही एक ट्रेंडिंग विषय बन गया था। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि नोरा फतेही किक 2 में एक आइटम सॉन्ग में दिख सकती हैं। नोरा फिल्मों में आइटम नंबर के लिए एक डांसर के रूप में लोकप्रिय हो चुकी हैं और खुद मलयालम फिल्म डबल बैरल और साउथ इंडियन फिल्म किक 2 शेर और लोफर में दिखाई दे चुकी हैं। अब हो सकता है वो भारतीय फिल्म किक 2 में भी दिखाई दे। तो क्या लगता है आपको, क्या होगी नोरा फतेही की किक 2 या फिर दिखेंगी हमें फिर से नरगिस? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मेरा अलविदा लेने का समय आ गया है। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सानिया भार्गव ने लिखी है। अलविदा। होगी सलमान खान की किक 2? सलमान के साथ कौन सी एक्ट्रेस इस फिल्म में नजर आएंगी और किन किन फिल्मों से धमाल मचाने वाले हैं सल्लू भाई जान? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जोयाल बात करेंगे किक 2 की, जो कि मोस्ट अवेटेड फिल्म है। इस फिल्म को भी साजिद नाडियाडवाला ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिलहाल वो कभी ईद कभी दिवाली को भी प्रोड्यूस करने वाले हैं। हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए साजिद ने अपनी आने वाली फिल्मों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सलमान और मैं लगभग 6 साल से किक 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं और 6 साल बाद ऐसा लग रहा है कि जुड़वा वाले दिन वापस आ गए हैं। किक के सीक्वल से पहले ही कभी ईद कभी दिवाली को लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने और ये बिल्कुल अलग तरह की फिल्म होने वाली है। ऑडियंस को इसमें सलमान का अवतार जरूर पसंद आएगा। इसके बाद साजिद ने किक 2 के बारे में भी चर्चा की। इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में उन्होंने कहा कि सलमान और साजिद दोनों ही किक का सीक्वल बनाना चाहते हैं। हमने इसकी स्क्रिप्ट लिख ली है जिसमें डेविल के कैरेक्टर को जस्टिफाई किया जाएगा। स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इस साल के अंत में लगभग इसका स्क्रीन प्ले पूरा हो जाएगा और उसके बाद किक 2 आएगी दोस्तों, यानी कि 2022 में ही आपको किक 2 देखने को मिलेगी। वैसे इसकी तैयारियां बहुत पहले हो चुकी थी लेकिन कोविड के चलते सब कुछ डिले हो गया है। काफी लंबे समय से ये भी खबरें थी कि किक 2 में जैकलीन फर्नांडिस को रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन इस पर भी साजिद ने कहा कि इसकी कहानी जैकलीन को लेकर ही लिखी गई है, तो इसमें जैकलीन फर्नांडिस जरूर होंगी। और ये भी कहा कि जैकलीन के अलावा एक और एक्ट्रेस किक 2 में नजर आएंगी। वहीं दोस्तों सलमान खान की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो उनकी झोली अपकमिंग फिल्मों के पिटारे से भरी हुई है। आने वाले टाइम पे सबसे पहले ईद के मौके पर राधे योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज होगी, जिसका बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा है। उसके बाद कभी ईद कभी दिवाली रिलीज हो सकती है जिसमें कि पूजा हेगड़े नजर आएंगी। और ये फिल्म जो है इसमें 4 भाइयों की कहानी दिखाई जाएगी, मुस्लिम एंगल दिखाए जाएंगे और कभी ईद कभी दिवाली जैसा कि फिल्म का नाम है हिंदू मुस्लिम का एंगल दिखाया जाएगा। उसके बाद एक और फिल्म करने वाले हैं सलमान खान, इंडियाना जोन्स और अंतिम, जिसमें कि वो अपने जीजा आयुष के साथ नजर आएंगे। और पठान में एमयू करने वाले, यानी कि सलमान खान जो आने वाले साल हैं पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। तो आप हमें बताइए कि सलमान की फिल्मों का आपको कितना इंतजार है और मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे पर दाग सिर्फ एक। पता नहीं कौन है, कहां है, सिर्फ उसका नाम पता है, डेविल। क्यों बॉलीवुड केक जैसी हाफ बेक सुपर फिल्म तक ही लिमिटेड है? हॉलीवुड की तरह ही बॉलीवुड अपनी सुपर हीरो कॉमिक बुक्स को फीचर फिल्म्स में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाया? बॉलीवुड एक सुपर हीरो फिल्म के लिहाज से क्लोजेस्ट क्रिश 2 और मिस्टर इंडिया तक ही आ पाई है, जहां क्रिश के आने के बाद हॉलीवुड सुपर हीरोज की तरह ही इस इंडियन सुपर हीरो की हाइप भी काफी स्ट्रांग थी। तो वहीं मिस्टर इंडिया जैसा अहेड ऑफ इट्स कंसेप्ट आइकॉनिक कास्ट ने इसे एक कल्ट फिल्म का दर्जा दिला दिया। एंड सैडली इनके अलावा हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आउट एंड आउट सुपर हीरो फिल्म करार कर दिया जा सके। दोस्तों 2014 में आई किक फिल्म के ट्रेलर से जनता को ये उम्मीद तो बंदी थी कि फाइनली हमने एक मार्क सुपर हीरो मिलेगा एंड दैट टू प्लेड बाय अ मेनस्ट्रीम एक्टर सलमान खान।
बट यार डिसअपॉइंटमेंट तब आई जब इस फिल्म में सुपर हीरो कॉन्सेप्ट को ग्रो करने के बजाय एक मसाला एंटरटेनर फिल्म बनाने में ज्यादा ध्यान दिया गया। ऑनेस्टली स्क्रैच से एक सुपर हीरो कॉन्सेप्ट डेवलप करना काफी भारी काम है, लेकिन ऑलरेडी सुपर हिट डोमेस्टिक सुपर हीरो को भी तो बता दे पर्दे पे पोर्ट्रे किया ही जा सकता है ना, जैसे हॉलीवुड ने किया मार्वल और डीसी कॉमिक के साथ, तो क्यों बॉलीवुड ने टाइमली और इवन अभी तक भी इंडियन कॉमिक्स को फीचर फिल्म नहीं बनाया। तो दोस्तों आज इन्हीं कुछ कारणों को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी आज की होस्ट अनुष्का त्यागी। देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। बॉलीवुड हमेशा से ही उस स्टोरी को अडाप्ट करता आ रहा है जो कि ऑलरेडी सुपर हिट हो, और जब बॉलीवुड के पास रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी आई सुपर फिल्म बनाने के लिए, तब तक की कॉमिक्स की पॉपुलैरिटी में ड्रास्टिक डाउनफॉल आ चुका था। अब इन कॉमिक्स की पॉपुलैरिटी क्यों कम हुई, इसके लिए कई यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को ही ब्लेम करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ यही रीजन होता तो यूएस में तो टेक्नोलॉजी हमसे भी पहले आ गई थी, तो कायदे से तो उनकी कॉमिक्स हमसे भी पहले अनपॉपुलर हो जानी चाहिए थी। अब एक कॉमिक्स बुक्स के क्रेज में काफी ज्यादा घटौती सी आ गई थी, जहां 90s में 70-80 लाख कॉमिक्स सिर्फ 2 महीनों में छपती थी, तो वहीं आज के टाइम में ये नंबर 50-60,000 पर ईयर का हो गया है। कॉमिक्स की घटते डिमांड में कई सारे फैक्टर्स है जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट कॉम्पिटिशन की कमी, जैसा कि हम जानते हैं कि यूएस में 2 कॉमिक्स थी डीसी और मार्वल, सो मार्केट को कैप्चर करने के लिए इनके बीच में काफी तगड़ा कंपटीशन रहता है। एंड एज वी नो जहां कंपटीशन होगा वहां इम्प्रूवमेंट होगी, जबकि इंडिया में सिर्फ एक मेजर कॉमिक थी राज कॉमिक, जिन्होंने क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देना ज्यादा सही समझा, एंड इवेंचुअली इनके वर्क्स में क्वालिटी डिग्रेड होती गई। यहाँ के कॉमिक राइटर्स को काफी कम महानता ये सैलरी दी जाती है, और अच्छे अच्छे राइटर्स भी कम पैसे की वजह से राज कॉमिक्स क्विट करके न्यूज़पेपर और मैगजीन में लग गए। जब तक एक्सपीरियंस राइटर काम पे थे तब तक तो इंडियन सुपर हीरोज कॉन्सेप्ट में काफी लॉजिकल और साइंटिफिक अप्रोच रही थी, लेकिन जैसे ही नौसिखिए राइटर ने ज्वाइन किया तो कॉमिक स्टोरी की क्वालिटी भी फुर हो गई। अब जब अब एवरेज प्रोडक्ट जनता को मिलने लगा तो निश्चित ही कॉमिक डूबनी ही थी। देन दोस्तों राज कॉमिक्स में यूनिवर्स का कमी होना भी एक बड़ा फैक्टर है। नागराज, डोगा, ध्रुव ये अपने आप में तो काफी पॉपुलर थे, पर इनका क्रॉसओवर काफी कम करवाया जाता था, एंड हेंस ये कैरेक्टर अपनी इंडिविजुअल आईडी से आगे बढ़ ही नहीं पाए। एंड फाइनली जब कॉमिक मार्केट इतनी बुरी तरह से डूबने लगी और बची कुची मार्केट को डिजिटल डिवाइसेस ने कैप्चर कर लिया, ऐसे में बॉलीवुड ने इन पे पैसा लगाना ही सही ना समझा और ये अपनी रोम को मसाला मूवी में ही खुश रहते दिखे। हालांकि इन कॉमिकल सुपर हीरोज के कैरेक्टर आज भी इतने कमाल के हैं कि किक और फ्लाइंग जट जैसे सुपर हीरोज से तो एडवांस्ड ही लगते हैं, तो अगर सही स्टोरी और VFX मिल जाए तो ये कैरेक्टर्स बड़े पर्दे पर फिल्म अभी भी हिट हो सकती हैं। बस जरूरत है तो किसी फिल्म मेकर की डेयरिंग की। 2-3 साल पहले कुणाल रॉय कपूर ऑन स्क्रीन डोगा वैन के इस सिलसिले की शुरुआत करने की तो सोच रहे थे, लेकिन अब इस मामले में भी शांति बनती नजर आ रही है। अब दोस्तों इंडियन सुपर हीरो फिल्म तो नाम भरोसे ही है। अब दोस्तों बस आज की वीडियो तो यहीं तक थी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, और हमारे आज के राइटर हैं पंकज। मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे पर दाग सिर्फ एक, पता नहीं कौन है कहाँ है, सिर्फ उसका नाम पता है डेविल। किक टू, क्या 2014 में आई सलमान खान की फिल्म किक की सीक्वल की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, और क्या डायरेक्टर साजिद नाडियावाला फिल्म को इस साल ही रिलीज करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, मैं पलक गुप्ता आज आपसे आपके फेवरेट स्टार सलमान खान की आने वाली फिल्म किक 2 के बारे में बात करने वाली हूं। 2014 में आई फिल्म किक ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी किक मारी कि सीधा 400 करोड़ की फिल्म ने की सूची में शामिल हो गई। फिल्म की सफलता को देखते हुए डायरेक्टर ने इसके सीक्वल को बनाने के बारे में भी सोचा, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि फिल्म की सीक्वल को आने में 6 साल लग गए। फिल्म में इस बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी होंगे या नहीं यह तो हमें पता नहीं, लेकिन इस बार विलन के रोल में कौन रहेगा इसकी कोई खबर नहीं है। फिल्म में सलमान और जैकलिन के अलावा जो नाम काफी समय से सुनने में आ रहा है वो है एक्टर करण आनंद है। करण आनंद को सबसे पहले फिल्म गुंडे में देखा गया था,
जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया था। फिल्म में करण विलेन के रोल में दिखेंगे। आनंद ने कई फिल्मों में डार्क रोल किया है और अब वह फिल्म किक टू में भी कुछ इसी अंदाज में दिखने वाले हैं। करण के अलावा फिल्म में एक इंटरनेशनल विलेन भी होगा जिसको फिल्म के सेकंड पार्ट में दिखाया जाएगा, लेकिन वह कौन होगा इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म एक नई ट्रेन की पटरी पर दौड़ेगी। इसमें कुछ नए और कुछ पुराने चेहरे होंगे। जहां एक तरफ देवीलाल की कहानी खत्म हो गई थी, वहीं एक और कहानी शुरू होगी। फिल्म की शूटिंग मुंबई के अलावा वर्जीनिया अमेरिका में होगी। फिल्म में सलमान को एक नए अंदाज में दिखाया जाएगा जिसका व्यवहार देवी के कैरेक्टर से एकदम उल्टा होगा। इसको जिंदगी में किक नहीं आराम चाहिए। वह भारत आने का प्लान बनाता है जहां मुंबई में उसके परिवार की जमीन होती है, लेकिन जमीन पर फिल्म का विलेन करण आनंद अवैध तरीके से पहले से ही कब्जा कर चुका होता है। वहीं उसकी मुलाकात जैकी से होती है जो फिल्म में एक राइटर के रोल में होंगी और सलमान के प्यार में भी अपने परिवार की जमीन को वापस पाने के लिए देवी करण से लड़ता है और काफी मारामारी के बाद अपनी जमीन वापस ले लेता है। और वर्जीनिया वापस जा रहा होता है सलमान, लेकिन तभी उसको जैकलिन से मोहब्बत का एहसास होता है। जब वह जैकलिन के घर उसको अपने दिल की बात बताने जाता है तब वहाँ कोई नहीं होता है। तो कहाँ गई जैकलिन? फिल्म में यह अब तो एक ट्विस्ट आता है और वह ट्विस्ट था कि सलमान का एक ऐसा दुश्मन था जो उनका पीछा करते हुए वर्जीनिया से मुंबई आ जाता है। मुंबई आकर उसको फॉलो करता है और वहीं से सलमान और जैकलिन के बीच पनप रही मोहब्बत का फायदा उठाने के बारे में सोचता है। जब सलमान करण से अपनी जमीन के चक्कर में लड़ रहे होते हैं तब वह जैकलिन को किडनैप करके उसको एक दूर गाँव में ले जाता है। अब सलमान को अपनी मोहब्बत जैकलिन को बचाने के लिए किसी इंटरनेशनल विलेन से लड़ना पड़ेगा। जहां देवी एक आराम की जिंदगी चाह रहा होता है, वहीं किस्मत ने उन्हें एक अलग ही राह चुनी होती है और देवी को डेविल बनने का अवतार फिर से लेना पड़ता है। तो क्या डेविल अपने प्राण को बचा पाएगा और क्या करण अपनी हार का कड़वा घूंट पी पाएगा? ये तो हमें मूवी देख कर ही पता चलेगा। और क्या क्या ट्विस्ट आते हैं वो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिमरन रावत ने लिखी है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी। चेतन भगत के लिए किक फिल्म एक परफेक्ट मैच रही। किक फिल्म में यूज होने वाली कमाल सुपर बाइक्स कौन सी थी?